करें स्टार्ट अपना क्रैश कोर्स बैच एडवांस मैनेजमेंट का 18+6 डेज का। इस बैच को स्टार्ट करते हैं, बिल्कुल एनर्जेटिक मैनर में स्टार्ट करते हैं। बट इससे पहले मैं चाहूंगा कि आपके माइंड में जो भी क्वेरी चल रही है ना रिगार्डिंग दिस बैच, वो आप डिस्कस कर लो। जाहिर सी बात है बहुत सी क्वेरीज होंगी। आई एम एक्सपेक्टिंग सम क्वेरीज। चलो कुछ क्वेरीज मैं ही डिस्कस कर लेता हूं। सबसे पहली क्वेरी तो आपकी ये होगी कि रिगार्डिंग फैकल्टी, फैकल्टी कैसी है, एक्सपीरियंस, टीचिंग स्टाइल एंड रिजल्ट कैसा रहता है। और ये सारी चीजें मैं लेटर ऑन डिस्कस करना चाहता हूं, बट जो मेजर क्वेरीज हैं, जो मैं चाहता हूं कि आपकी क्वेरीज रियल क्वेरीज हैं रिगार्डिंग बैच का ड्यूरेशन, है कि नहीं? सो किसी को है बैच के ड्यूरेशन के रिगार्डिंग कुछ क्वेरी तो बताएं। हमारा जो ड्यूरेशन है इट इज 18 डेज प्लस 6 डेज। एंड अगर मैं कंसिडर करूं 3 आवर्स से ना, इट बिकम्स 72 आवर्स। एंड प्लस, हाँ 72 आवर्स की एक संडे का प्लान है वीक। मैं शेड्यूल भी आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगा कि किस दिन हमारी हॉलीडे होंगी, किस दिन क्या टॉपिक होगा, थोड़ा आगे पीछे वो टॉपिक्स हो सकते हैं, ठीक है? ओके, इस बार जो एक सेपरेट चीज प्लान की हुई है ना, वो एक एक्स्ट्रा प्रैक्टिस सेशन और प्लान किया हुआ है। वो 2 आवर्स का प्रैक्टिस सेशन और प्लान किया हुआ है पर डे। एंड दिस बिकम्स 2 आवर्स। एंड अगर हमारे वो 20 डेज भी होते हैं ना, तो अराउंड इट बिकम 40 आवर्स। एंड टोटल आवर्स डबल 1-2 आवर्स। एंड आई बिलीव दीज आर सफिशियंट फॉर योर प्रिपरेशन। अच्छा, कितने लोग यहां पे ऐसे हैं जिन्होंने अटेम्प्ट दिया हुआ है? ओके, गुड। और जिन्होंने अभी तक कोचिंग पढ़ी नहीं है? ओके, सो आपके माइंड में तो ज्यादा क्वेश्चंस होने चाहिए। सो रियली अगर आपके माइंड में कुछ इस तरह के क्वेश्चंस हैं, तो प्लीज आप एक बार पूछ लो। नॉट अ सिंगल थिंग। ओके, मैं बोलूं बिल्कुल वर्ड फुल है। देखो, जो आपका रेगुलर बैच है, रेगुलर बैच 40 लेक्चर्स के, 60 लेक्चर्स और 90 लेक्चर्स के भी हैं, ठीक है? तो आपके माइंड में वही होगा कि जो हमारे लिमिटेड आवर्स हैं, ये 112 आवर्स, वेदर दिस विल बी सफिशिएंट और नॉट। मैं आपको बता दूं, सबसे पहले जो आपकी स्पीड, भले हमारा क्रैश कोर्स बैच है, मगर ये नॉर्मल स्पीड से कराया जाएगा। कॉन्सेप्ट सारे वही कवर अप कराए जाएंगे, बस आपके क्वेश्चंस का डिफरेंस है। जो रेगुलर बैच में कवर अप कराए जाते हैं, 500 क्वेश्चंस के अराउंड है। यहाँ पे 250 क्वेश्चंस टारगेटेड रहते हैं 72 आवर्स में। अब 40 आवर्स का ड्यूरेशन अगर और बढ़ाया जाए, तो इसमें 100 क्वेश्चंस और लिए जा सकते हैं। बट अप्रोच वही रहेगा आपका कराने का। हाँ जी, सो जिन्होंने अटेम्प्ट दिया है, उनसे मैं एक क्वेश्चन पूछना चाहूंगा। What is the reason why you are here? कुछ एक expectation होगी आपकी। Practice, okay. Concept, length, yes, length. Length is a very major issues for candidates. कितने लोगों को problem face होती है, उन्हें really लगता है कि costing paper is a really lengthy paper? Raise your hand जिन्होंने attempt दिया, at least वो तो हाथ खड़ा कर ही सकते हैं। लेंथी पेपर है, आप सभी को यह लगता है। अगर मैं बोलूं तो ऑन एन एवरेज आप कितने मार्क्स का अटेम्प्ट करके आए थे अभी इस अटेम्प्ट में? 62, 16 मार्क्स की। ओके ओके,
ऑन एन एवरेज बेसिस आप सभी ने अराउंड 65 to 70 मार्क्स। अगर आपका टारगेट हो आपको 70 मार्क्स स्कोर करने हैं तो वो तो नहीं आएंगे, क्योंकि 70 मार्क्स स्कोर करना है तो एटलीस्ट 70 मार्क्स का क्वेश्चन पेपर तो अटेम्प्ट करना ही करना पड़ेगा। ठीक है, तो जो हमारा सबसे ज्यादा फोकस रहेगा ना कि पेपर आपको लेंदी ना लगे, तो उसके लिए क्या क्या किए जा सकते हैं, क्या क्या चीजें की जा सकती हैं। बहुत से सिंप्लीफाइड कॉन्सेप्ट्स हैं, टेक्निक्स हैं, किस तरह से हम क्वेश्चन को टाइमली मैनर में जल्दी क्वेश्चन कंप्लीट कर सकते हैं। टोटल 7 क्वेश्चन होते हैं, 7 में से 6 कवर अप करने होते हैं। कैसे किया जाए, जिससे कि आप अगर 85 to 90 मार्क्स का पेपर भी प्रॉपरली आप अटेम्प्ट करके आओ ना, तो इट इज सफिशियंट टू स्कोर एग्जेम्पशन और इन 7 डेज। सो मेन फोकस हमारा लेंथ के ऊपर भी रहेगा। और कोई प्रॉब्लम आई हो एग्जाम में? ओके, 60 to 65 मार्क्स का पेपर अटेम्प्ट करा था, तो ऑन एन रफ बेसिस एवरेज स्कोरिंग क्या रही आप लोगों की? प्लीज शेयर, डोंट हेजिटेट, क्योंकि देखो जितना ज्यादा आप शेयर करोगे मुझे पता लगेगा कि आपकी रियली नीड क्या है, प्रॉब्लम क्या है। ये रादर मैं अपने उस फ्लो में स्टार्ट कर दूं, मैं चाहता हूं कि आपकी जो एक्सपेक्टेशंस हैं, जो आपकी नीड है, जिस वजह से आप यहां पे हो, वो समझ के उस पे काम किया जाए। और स्ट्रेंथ भी कम है तो बिल्कुल पर्सनल अटेंशन दी जा सकती है। हाँ बताएं। गुड, सो इट मीन्स आपकी एक्यूरेसी अच्छी है। ओके, बाकी पेपर्स की प्रिपरेशन नहीं की थी? ओके ठीक है, और कोई? हाँ ओके, 25। ओके, 50 आए थे। गुड, और बाकी कुछ बच्चे ऐसे भी होंगे जिनके पासिंग मार्क्स नहीं आ रहे होंगे, मल्टीपल अटेम्प्ट्स होंगे। सो कुछ ऐसी प्रॉब्लम जो आप फेस कर रहे हो तो मुझे बताओ, कुछ अगर इस तरह की प्रॉब्लम है आपकी तो बताओ। बिल्कुल बिल्कुल, मैं चाह रहा था कि कोई इस पॉइंट को रेज करे। देखो सीधी सीधी बात है, जो इन क्लासेस का अप्रोच है ना, नंबर ऑफ क्वेश्चंस लिमिटेड, ठीक है, कवरेज हम बिल्कुल डेफिनेटली करेंगे, काफी क्वेश्चंस कवर अप करने की कोशिश करेंगे, बट यहाँ पे जो सबसे ज्यादा फोकस करा जाएगा ना, वो आपके क्वेश्चन सॉल्विंग एबिलिटी को डेवलप करने के। क्योंकि मेरा मानना है कि जो फाइनल लेवल पे आप प्रिपरेशन करते हो तो एग्जाम में आपको नए क्वेश्चंस ही देखने को मिलेंगे। ठीक है, अगर मैं ट्रेंड की बात करूं तो प्रैक्टिस मैनुअल या फिर पास अटेम्प्ट के क्वेश्चन पेपर से आपके 2 या 3 क्वेश्चंस आ जाते हैं। ठीक है, बट मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस आर द न्यू क्वेश्चंस व्हिच यू हैव टू अटेम्प्ट इन योर पेपर। तो कैसे नए क्वेश्चन को आपको अप्रोच करना है? अच्छा, कितने लोगों को प्रॉब्लम होती है कि क्लास में क्वेश्चंस कर रहे होते हैं तो हो जाता है, बट नए क्वेश्चंस को जब अप्रोच करते हैं ना तो होता ही नहीं है, समझ में नहीं आता कि करना क्या है। ओके, तो मुझे जिन्होंने हाथ खड़ा करा था और जिन्होंने हाथ नहीं खड़ा करा था, उन सभी से एक क्वेश्चन है, कॉस्टिंग का पेपर कितने लोग जो प्रिपरेशन है वो रीडिंग मैनर में करते हैं? मतलब प्रैक्टिस मैनुअल डेफिनेटली आप करते ही होगे, बट वो आप रीडिंग मैनर में करते हो, मतलब आपके पास क्वेश्चन अवेलेबल है, सॉल्यूशन अवेलेबल है, आप पहले सॉल्यूशन देखते हो फिर क्वेश्चन समझने की कोशिश करते हो कि इस क्वेश्चन कह क्या रहे। कितने लोग ऐसा करते हैं? नहीं करते मोस्टली। गुड, तो देखो जो सबसे पहला अप्रोच है ना, मैं आपका यही अप्रोच चेंज कराऊंगा कि आपको इस मैनर में बिल्कुल काम नहीं करना होगा। ठीक है, जो भी क्वेश्चंस हैं अगर आपको 80% भी क्लिक कर रहा है कि हाँ टिल दैट सेक्शन और टिल दैट एक्सटेंड वी कैन डू दैट क्वेश्चन, वी शुड डू दैट। पहले आप अपने अप्रोच, अपने जो स्किल्स हैं आप उन्हें अप्लाई करके व्हाट एवर मे बी द आंसर आप एटलीस्ट वो कैलकुलेट करने की कोशिश करो। हाँ जी, और कोई क्वेरी हो तो बताएं। क्लैरिटी इन कॉन्सेप्ट्स, ओके।
आपने पहले पढ़ी हुई है कॉस्टिंग? ओके ठीक है. सो कॉन्सेप्ट क्लैरिटी की बात करूं तो कॉन्सेप्ट क्लैरिटी बिल्कुल यहां पे रखी जाएगी, 100% कॉन्सेप्ट है और बिल्कुल कॉन्सेप्ट आपके डेफिनेटली एक कॉन्सेप्ट क्लियर कराए जाएंगे. ठीक है. गुड. इसके लिए नहीं नहीं हंसने की जरूरत नहीं है. देखो सीधी सीधी बात है, देखो अभी अभी आपने अगर क्लासेस नहीं अटेंड करें तो अभी 39-40s में आ रहे हैं. ठीक है, आपने अभी नहीं करा. ठीक है, देखो मैंने जो आपको मॉड्यूल्स प्रोवाइड करने हैं ना, वो रेगुलर बैच के में मॉड्यूल प्रोवाइड करने हैं विद सॉल्यूशंस. मतलब जो क्वेश्चंस हम नहीं भी करेंगे वो भी आपको उसके सॉल्यूशंस प्रोवाइड किए जाएंगे. तो कंप्लीट कवरेज है, कंप्लीट कंटेंट आपको प्रोवाइड किया जा रहा है और मेन तो आपके क्वेश्चन सॉल्विंग एबिलिटी को डेवलप करना है. अगर आपकी क्वेश्चन सॉल्विंग एबिलिटी डेवलप हो जाती है तो डेफिनेटली इनकेस आप अगर 80s-90s मार्क्स का पेपर अटेम्प्ट कर लेते हो, मतलब आपको लेंथी पेपर नहीं लगता, तो आपके स्कोरिंग के चांसेस बिल्कुल बढ़ जाते हैं. और पास्ट में बहुत से बच्चों ने यहाँ से जो क्रैश कोर्स हैं वहां से भी एग्जम्पशन आई हुई है. सो 50 का टारगेट छोटा है थोड़ा. आंसर प्रेजेंटेशन, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही. आंसर प्रेजेंटेशन के लिए मैं कहूंगा देखो डिफरेंट टीचर्स हैव अ डिफरेंट टेक्निक्स ऑफ प्रेजेंटिंग द आंसर्स. आप अगर रेफर करो तो बहुत अलग अलग वेराइटीज हैं. आईसीआई का रिक्वायरमेंट देखो सबसे पहला ये रहता है कि आंसर आपका टू द पॉइंट एक्यूरेट आना चाहिए. नंबर टू, जो आपके वर्किंग नोट्स हैं इट शुड बी क्लियर एंड अंडरस्टैंडेबल मैनर एंड इन अ सिक्वेंस. ठीक. नंबर थर्ड, वहां पे कोई भी कॉन्सेप्ट कुछ ऐसा है जिसका कंफ्लिक्टिंग मैनर में आप प्रेजेंटेशन ना करो, बस यही है. क्योंकि यहां पे कोई फॉर्मेट्स नहीं है. अगर आपने देखा टैबलेट फॉर्मेट बिल्कुल प्रेफरेबल रहता है, बिल्कुल प्रेफरेबल रहता है. आपके स्टेप मार्किंग होती है तो हर एक पोर्शन का स्टेप मार्किंग मैं आपको बताऊंगा कहां से कितना पोर्शन तक आपके मार्क्स अलॉट किए जाते हैं, कितने मार्क्स आपको मिल सकते हैं. तो प्रेजेंटेशन पे भी बिल्कुल ध्यान देंगे. और बताएं, थ्योरी बिल्कुल कवर अप करेंगे, थ्योरी बिल्कुल लास्ट में कवर अप करेंगे. उसका वेटेज बिल्कुल आपका 16-20 मार्क्स का है जिसे कि हम कवर अप करेंगे. पीएम के क्वेश्चंस आपके डेफिनेटली हमारा 80% का कवरेज है जिसे कि हम किस मैनर में करेंगे वो मैं आपके साथ डिस्कस कर लेता हूं. अभी मॉड्यूल्स आपको मिल जाएंगे थोड़ी देर में. जैसे अगर मैं बोलूं आपके मॉड्यूल में इस तरह का एक टेबल दिया हुआ है जहां पे कि जो हमारे मॉड्यूल के क्वेश्चन है वो अगर प्रैक्टिस मैनुअल का कोई क्वेश्चन है उससे रिलेट करता है तो वो बताया हुआ है कि ये प्रैक्टिस मैनुअल का क्वेश्चन है. ठीक है, इस तरह से हमने प्रैक्टिस मैनुअल के क्वेश्चंस को यहाँ पे ट्रेस किया हुआ है कि ये प्रैक्टिस मैनुअल के क्वेश्चंस हैं और जो इसके बाद प्रैक्टिस मैनुअल के क्वेश्चंस बचते हैं वो आप बिल्कुल ट्राई करना. उसे मैं अगर बोलूं तो 80% क्वेश्चंस यहाँ पे कवर्ड अप हैं और जो प्रैक्टिस मैनुअल के क्वेश्चंस यहाँ पे कवर अप नहीं है वो उनका एक पर्टिकुलर रीजन है कि इसलिए नहीं रखे गए, वो शायद बहुत बेसिक लेवल के हैं. ठीक है, जिसे कि आप बिल्कुल ईजिली कर सकते हो और अगर करने में आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो आप आके यहां पे डिस्कस कर सकते हो. ठीक है, सो आपका जो सिलेबस है वो मैंने चार मॉड्यूल्स में डिवाइड किया हुआ है, ईच मॉड्यूल फॉर 30 मार्क्स. जो आपका पहला मॉड्यूल है इसमें कॉस्ट कंट्रोल एंड प्राइजिंग डिसीजन, प्राइजिंग है. कॉस्ट कंट्रोल में स्टैंडर्ड कॉस्टिंग, बजटरी कंट्रोल, प्राइजिंग डिसीजन एंड ट्रांसफर प्राइजिंग, वन फॉर एक्सटर्नल एंड वन फॉर इंटरनल. और इस मॉड्यूल का वेटेज आपका 30 मार्क्स के अराउंड है एंड टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस इज 129. टोटल जो आपके मॉड्यूल्स हैं वो 5 मॉड्यूल्स हैं, चार आपके कॉन्सेप्ट मॉड्यूल और एक आपका मॉड्यूल नंबर 5 जिसमें कि आपके पास्ट अटेम्प्ट के क्वेश्चन पेपर्स, अराउंड 12 अटेम्प्ट के क्वेश्चन पेपर्स हैं, आरटीपीज हैं जिसे कि कवर अप करना है. और कोई क्वेरी तो बताएं. स्टडी मेट में वो कवरेज उसी के अकॉर्डिंग है.
इंक्लूडिंग आपका जो स्टडी मटेरियल है वो भी कवर्ड होता है उसमें। कुछ क्वेश्चंस हैं आपके जो प्रैक्टिस मैनुअल के दिए हुए हैं, कुछ आपके स्टडी मटेरियल्स हैं, देन आरटीपी, मॉक टेस्ट पेपर्स, पास्ट रिटन क्वेश्चन पेपर्स, ये कवर अप किए हुए हैं। हाँ, लास्ट मिनट रिवीजन के लिए मैं आपको एक समरी भी दूंगा, आप चाहो तो अपने नोट्स भी प्रिपेयर कर सकते हो। बिल्कुल कवर्ड है, कवर अप किया जाएगा आपका। मैं आपको शेड्यूल बोलूँ ना, तो शेड्यूल आपका ये देख सकते हो, अभी के लिए आप देख लो, इसे फाइनल शेड्यूल करके मैं आपको सबको देता हूँ। ये डेली शेड्यूल है आपका, ये हॉलीडेज ठीक है। सो आपका जो ओआर है ना, ओआर शेड्यूल्ड है, इट्स फ्रॉम 16th ऑफ अगस्त। 16th ऑफ अगस्त इनिशियल डेज में हम सबसे पहले मॉड्यूल फर्स्ट करेंगे, जिसमें कि आपका स्टैंडर्ड कॉस्टिंग, ट्रांसफर प्राइसिंग, प्राइसिंग डिसीजन, बजटरी कंट्रोल, जो कि एक मेजर पोर्शन है आपका, इंपॉर्टेंट पोर्शन है, वो पहले कवर अप करेंगे। ये शेड्यूल कैसे किया हुआ है वो मैं आपको बता देता हूं। ये शेड्यूल कुछ इस तरह से किया हुआ है, मॉड्यूल फर्स्ट, जिसमें आपका कॉस्ट कंट्रोल आता है, कॉस्ट कंट्रोल में आपका बजटरी कंट्रोल एंड स्टैंडर्ड कॉस्टिंग। अगर आपने इस अटेम्प्ट में देखा हो मई 18 में, तो कुछ आइडिया है आपको? बिल्कुल, 4 मार्क्स की थ्योरी आई थी, सिर्फ 4 मार्क्स की थ्योरी आई थी, और वो भी बहुत डुएबल थ्योरी थी, बिल्कुल आप आराम से कर सकते थे, जहां पे आपको वेरियांसेस एंड उसके सिग्निफिकेंस पूछे गए थे, N4 वेरियांसेस ठीक है। ये जो भी टॉपिक है ना आपके, देन सेकेंड इज प्राइजिंग, प्राइजिंग प्राइजिंग फॉर एक्सटर्नल कस्टमर, एक्सटर्नल कस्टमर के लिए हमारा प्राइजिंग, प्राइजिंग डिसीजन है एक चैप्टर, प्राइजिंग डिसीजन, एंड देन फॉर इंटरनल, इंटरनल कस्टमर दैट इज ट्रांसफर प्राइजिंग, और अप्रोक्सीमेटली वेटेज आपका 8 मार्क्स, 8 मार्क्स, 8 8, इस तरह से इसका वेटेज डिसाइडेड है। अगर ये 4 मार्क्स का आया था ना, तो बजटरी कंट्रोल 12 to 16 मार्क्स का आपका पेपर आया था, आपको अगर आपने एनालाइज करा हो तो देखा था आपने, बजटरी कंट्रोल का पोर्शन ज्यादा था ना। तो ये जो मॉड्यूल है ना आपका, ये 30 मार्क्स का कंपलसरी पोर्शन है, मतलब यहां से पोर्शन आना ही आना है, कंट्रोल पोर्शन, आइदर बजटरी कंट्रोल और अदरवाइज स्टैंडर्ड कॉस्टिंग। जो नॉर्मल ट्रेंड है, 8 8 मार्क्स के क्वेश्चन यहां से आते ही आते हैं, और कितने लोगों को स्टैंडर्ड कॉस्टिंग में प्रॉब्लम है, रेज योर हैंड। स्टैंडर्ड कॉस्टिंग कभी करके नहीं जाते या फिर समझ में नहीं आता, आईपीसी से छोड़ रखा है ना, बहुत 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 अच्छी बात है, यहाँ पे बिल्कुल फिर समझ में आएगा आपको। स्टैंडर्ड कॉस्टिंग में बताऊं, सीए फाइनल का वन ऑफ द मोस्ट सिंपल एंड इजी चैप्टर, सच में आप जो छोड़ के जाते हो ना, आप रिग्रेट करोगे कि क्यों छोड़ के जाते थे हम इसे, एंड 8 मार्क्स यहां से आपके कंफर्म होंगे। ट्रांसफर प्राइजिंग, कितने लोगों को ट्रांसफर प्राइजिंग चैप्टर में प्रॉब्लम है? ठीक है, हाँ, ऑप्शन, काफी चीजें ऑप्शन में जाती हैं कई बार तो दो दो तीन तीन क्वेश्चन जाते हैं ठीक है। तो जो ये दो टॉपिक का मैंने आपको नाम लिया ना, ये टॉपिक आप ये मान लो कि अगर आपके ये दो टॉपिक स्ट्रांग हो जाएं, तो आप +16 ऐड कर लेना जो भी आपका स्कोरिंग है, आपने जो भी अभी तक स्कोर किया है, कर रहे हो, उसमें +16 ऐड कर लेना। साथ ही साथ थ्योरी कवरेज कितने लोग करके जाते हैं, कितने बच्चे करके जाते हैं, थ्योरी करके जाते हैं और जो छोड़ के जाते हैं वो, ठीक है। आपको पता है कि पेपर अगर आपका लेंदी बनता है ना, तो इसी वजह से बनता है, क्योंकि आप थ्योरी छोड़ के जा रहे हो,
पेपर में अगर आप थ्योरी छोड़ के जा रहे हो तो आप पेपर लेंथी अपने आप बना रहे हो। 16 टू 20 मार्क्स का पेपर आपका थ्योरी का क्वेश्चन रहता ही रहता है, कंपलसरी नहीं, आपका ऑप्शनल क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। और कई बार जो आपका कंपलसरी क्वेश्चन है वहां पे भी थ्योरी का पोर्शन आ जाता है। तो कोई बात नहीं, वो आप, हाँ कोई कोई बात नहीं, मैं कराऊंगा आपको, किस अप्रोच से कराऊंगा वो आप देखना। जो पर एवरेज स्कोरिंग है ना, मतलब जो आपका एक्सपेक्टेशन होना चाहिए वो 10 मार्क्स का स्कोरिंग होना चाहिए हर क्वेश्चन से। आपको 6 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने होते हैं, अगर आपने 10 मार्क्स स्कोर कर लिए तो आपका एवरेज बन जाएगा, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 7th 5 क्वेश्चन दिए जाते हैं जिसमें से कि आपको 4 क्वेश्चन करने होते हैं, और मैं कह रहा हूं 4 नहीं, आप 3 करो। आप 4 भी नहीं कर पाते हो, 3 करो अटेम्प्ट, लेकिन उन 3 में से आप 10 मार्क्स स्कोर कर लो कि आपका एवरेज बन जाए। एंड इट इज सिंपल, मैं आपको एक बार थ्योरी यहां पे कराऊंगा, पहले कॉन्सेप्ट कवर अप करा लेने दो, थ्योरी करा लेने दो, फिर उसके बाद मैं आपको एक बार वो गो थ्रू करवाऊंगा थ्योरी के साथ, तो आपको लगेगा कि सच में थ्योरी में आप स्कोर कर सकते हो। एंड ये 3 एरियाज थे जहां से आप स्कोर कर सकते हो, 1 इज स्टैंडर्ड, ट्रांसफर प्राइसिंग एंड थ्योरी, ये तीनों आपके सॉल्यूशन है। एंड ओआर, आई होप सो ओआर में सब कंफर्टेबल होंगे, कि कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जिन्होंने ओआर अभी तक नहीं करी होगी, है कोई ऐसा? एक दो चैप्टर सिर्फ, ओके माय ओके, ठीक है ठीक है ठीक है। अगर मैं टाइम वेटेज की बात करूं तो आप कॉस्टिंग को कितना टाइम देते हो और ओआर को कितना टाइम देते हो, कॉस्टिंग को कितना टाइम देते हो और ओआर को कितना टाइम देते हो? क्योंकि जो ओआर का वेटेज है ना आपका, वो 30 मार्क्स का है। आप पिछला अटेम्प्ट उठा के देखना, 31 मार्क्स का इंक्लूडिंग थ्योरी क्वेश्चन आया था, इंक्लूडिंग थ्योरी क्वेश्चन आपका 31 मार्क्स का पोर्शन था। एंड आप अपनी स्कोरिंग चेक करके देखना, आप ओआर से 20 मार्क्स से ऊपर स्कोर नहीं कर पाते हो, है कि नहीं? और टाइम कितना डिवोट किया जाता है? अराउंड 1/2, मैं बोलूं तो 1/2, क्योंकि आपने बताया स्टैंडर्ड नहीं किया आपने, ट्रांसफर प्राइसिंग नहीं किया, थ्योरी नहीं किया आपने, तो टाइम गया कहां पे आपके प्रिपरेशन का? ओआर को देखो, सेकंड प्रायोरिटी मैंने जो रखी हुई है ना, वो जाहिर सी बात है मॉड्यूल नंबर 2 आपका, मॉड्यूल नंबर 2 ओआर। मुझे कराना पहले कॉस्टिंग चाहिए था, बट मैंने इस मैनर में आपके शेड्यूल प्लान किए हुए हैं जहां से आपको इंपॉर्टेंट और मार्क्स स्कोरिंग एरिया पे पहले काम करना है। आपको ज्यादा से ज्यादा टाइम डिवोट करना है जहां से आप मार्क्स निकाल सकते हैं। एंड स्कोरिंग, ओआर इज अ स्कोरिंग एंड इजी टॉपिक, यहां पे आप स्कोर कर सकते हो। सो इट्स अगेन 30 मार्क्स, और अगर इफिशियंटली यहां पे काम करा जाए ना इन दो मॉड्यूल्स पे, तो आपका 40 to 50 मार्क्स आप यहीं से स्कोर कर सकते हो, 40 टू 50 मार्क्स आप यहीं से स्कोर कर सकते हो। देन इसके बाद एक आपका मॉड्यूल नंबर 3 है जहां पे कि रेलिवेंट कॉस्टिंग, सीवीपी एनालिसिस, ये टॉपिक रखे गए हैं। एंड द लास्ट मॉड्यूल इज बिजनेस डेवलपमेंट चैप्टर्स रखे हुए हैं, एंड प्रॉफिट एनालिसिस, ये चैप्टर्स जो मिसलेनियस छोटे छोटे चैप्टर्स हैं वो वहां पे रखे हुए हैं। ईच मॉड्यूल इज डिवाइडेड इन 30 मार्क्स वेटेज, तो इट मेक्स इजी टू वर्क मॉड्यूल वाइज। हाँ जी, सो करते हैं स्टार्ट, और किसी की कोई क्वेरी हो तो बताना। बिल्कुल, ये जो आपने क्वेश्चन पूछा है ना, ये इसके लिए मेरा बस एक ही आंसर है, ऑलवेज अंडरलाइन द रिक्वायरमेंट। बहुत से बच्चे ये गलती करते हैं, पूरा क्वेश्चन पढ़ लेते हैं लेकिन रिक्वायरमेंट कभी प्रॉपरली नहीं पढ़ते हैं या केयरफुली नहीं पढ़ते हैं, ठीक है। और उसके बाद होता क्या है कि
किस मैनर में आपको स्टेप्स में अपने आंसर फ्रेम करने वो पता नहीं लगता, और अभी भी मैं बोल रहा हूं ये गलती आप क्लास में करते हुए चलोगे, बहुत बच्चे करते हुए चलेंगे। तो आंसर क्या होना चाहिए, क्वेश्चन आप पढ़ तो रहे हो, आंसर करना क्या है वो आपको पता लगेगा उसके रिक्वायरमेंट से। तो आप प्लीज उसके रिक्वायरमेंट को आपको अंडरलाइन करते हुए चलना है, रिक्वायरमेंट से ही आपको पता चलेगा कि आपका आंसर क्या होगा। हाँ जी आप बताएं। यू आर हैविंग बोथ ग्रुप और सिंगल ग्रुप। अच्छा यहाँ पे कितने बच्चे हैं जिनका बोथ ग्रुप है? काफी हैं। फर्स्ट टाइम प्रिपेयरिंग फॉर कॉस्टिंग, सो एनी क्वेरी रिगार्डिंग प्रिपरेशन? हाँ ठीक है, हाँ हाँ ठीक है। मैं देखो इस शायद आप थोड़ा लेट आए हो, तो मैं इस चीज के ऊपर डिस्कशन कर चुका हूँ कि कैसे यहाँ पे कवरेज होगी। वो डेफिनेटली उसके लिए आप डोंट वरी, कंप्लीट कवरेज है, आराम से सारे कॉन्सेप्ट कराए जाएंगे और काफी क्वेश्चंस भी कराए जाएंगे। इसीलिए क्योंकि कुछ यहाँ पे बच्चे ऐसे भी थे जो कि बिल्कुल फ्रेश आ रहे थे, तो इसीलिए 2 घंटे का प्रैक्टिस सेशन और ऐड कर दिया गया है जिसमें नंबर ऑफ क्वेश्चंस कराए जाएंगे सिर्फ, और जो हमारा कॉन्सेप्ट और क्वेश्चंस है वो 6 to 9 चलेगा, और 4 से 6 हमारे प्रैक्टिस सेशन जिसमें कि हम एक्स्ट्रा क्वेश्चंस और कवर अप करेंगे। ठीक है ओके। आपकी हाँ अभी मैं 1 मिनट, जो आपकी क्वेरी थी कि हमें आवर्स कैसे एलोकेट करना है, प्रिपरेशन कैसे करना है, तो देखो ये जो 112 आवर्स है ना, ये तो हमारे जॉइंट एफर्ट से हैं, आपके और हमारे, प्लस 100 आवर्स का आपका प्रैक्टिस सेशन नहीं, आपका एक्स्ट्रा एफर्ट। ठीक है ये आपको करना पड़ेगा क्योंकि क्लासेस के भरोसे आप डिपेंड नहीं रह सकते हो। ठीक है कि क्लासेस में ही सारे क्वेश्चन करा दिए जाएं, या क्लासेस हमने कर ली और वी आर रेडी फॉर द एग्जाम, बिकॉज क्लासेस की जो प्रिपरेशन है इट इज जस्ट प्रिपरेशन ऑफ योर सब्जेक्ट, बट प्रिपेयरिंग फॉर सब्जेक्ट एंड प्रिपेयरिंग फॉर एग्जाम इज टू डिफरेंट थिंग्स। ठीक है वो भी बताऊंगा कैसे आपको किस स्ट्रेटेजी मैनर में प्रिपरेशन करना है, क्या किस मैनर में रिवाइज करना है, कितने रिविजन करने हैं, वो सारी चीजें बताऊंगा, और कब कब आपका किस टॉपिक को उठाना है, प्रैक्टिस सेशन है, टेस्ट इनकॉर्पोरेट किए हुए हैं। तो साथ साथ कोशिश करना कि आप अगर कोई और क्लासेस चल रही हैं, मतलब इसके साथ एक और कोई क्लासेस चल रही हैं, तो 2 आवर्स आप इस सब्जेक्ट को और एलोकेट कर देना, मीन्स 4 to 9, 5 plus 2 hours। ठीक है इट विल बी सफिशियंट, डेली बेसिस पे आप रिविजन कर लेना, थोड़ा प्रैक्टिस कर लेना, थोड़ा होमवर्क कर लेना, इट विल बी सफिशियंट। ठीक है हाँ जी बताएं। बिल्कुल दिए जाएंगे क्वेश्चंस, दिए जाएंगे होमवर्क दिया जाएगा, टेस्ट भी यहाँ पे होंगे आपके। ठीक है कुछ टेस्ट आपके चैप्टर वाइज होंगे, कुछ मॉड्यूल वाइज होंगे। हाँ जी और कोई क्वेरीज हो तो बताएं। आई होप सो कि आपकी क्वेरीज मोस्ट प्रोबेबली सारी क्वेरीज डिस्कस हो चुकी हैं। द रीजन फॉर डिस्कसिंग द क्वेरी इज दैट कि मैं चाहता हूं जब हम कॉन्सेप्ट पे मूव करें ना तो आपके माइंड में कोई क्वेरी ना रह जाए, अगर क्वेरी माइंड में चलती रहेगी ना तो कॉन्सेप्ट के साथ आपकी कनेक्टिविटी नहीं बैठेगी, आपके माइंड में वही क्वेरी अभी भी पिंच कर रही होगी कि ये शायद किस तरह से कराई जाएगी। तो इसीलिए मैं चाह रहा था कि आप एक कॉन्सेप्ट पे मूव करने से पहले जो भी आपके माइंड में क्वेरीज हैं वो डिस्कस कर लो, जिससे कि हमारी एक प्रॉपर कनेक्टिविटी और कंफर्टेबिलिटी आ सके क्लास में। क्लियर है सब, सारी क्वेरीज क्लियर है? टाइमिंग बिल्कुल चेंज नहीं हो सकती आपकी, 6 to 9 तो आप आ जाओ क्योंकि 6 to 9 में कोई चेंजेस नहीं है। ठीक है और जो 4 to 6 का टाइम है उसमें प्रैक्टिस सेशन, मतलब प्रैक्टिस के क्वेश्चंस रखे हुए हैं। ठीक है और आपके 20% क्लासेस अगर मिस होती हैं तो वो आपको बैकअप प्रोवाइड कर दिया जाएगा। ठीक है 20 to 30%, ऐसे नहीं कि मतलब आप क्लासेस स्किप करते जाओ और फिर बैकअप के लिए बोलो। ठीक है
30% आपकी क्लासेस आपको बिल्कुल बैकअप मोड में मिल जाएंगी, जो भी क्लासेस मिस होती हैं। अगर कोई स्पेशल सरकमस्टेंसेस हैं तो आप काफी जो भी मोस्टली चीजें हैं वो आप बैकअप के तौर पे ले सकते हो। हाँ, 4 to 6 देन 6 to 9। नहीं, मैंने इसीलिए 6 to 9 का टाइम रखा हुआ है। आप ऑफिस से 5 PM पे निकल सकते हो बड़े आराम से, एंड 6 PM पे आप यहाँ पे आ सकते हो। 4 to 6 का आप ऐसा कर सकते हो। मैं जिनके साथ, अच्छा कितने लोगों के साथ 4 to 6 की प्रॉब्लम है? ओके, रिकॉर्डिंग मैं आपको 4 to 6 की बिल्कुल प्रोवाइड कर दूंगा रिकॉर्डिंग देखने के लिए। हाँ, आपको अगर मॉर्निंग का टाइम सूट करते हैं तो मॉर्निंग में आ जाओ आप, मॉर्निंग में आप रिकॉर्डिंग देख लो। ठीक है, हाँ जी, चलें। स्टार्ट करने से पहले अगेन कॉस्टिंग के कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स। ये बेसिक कॉन्सेप्ट्स इतने बेसिक्स हैं, इतने बेसिक्स हैं कि शायद आपको आईपीसीसी में जाके चीजें रिकॉल करनी पड़े। ठीक है, और इसका बहुत एक पर्पस है, क्योंकि ये जो बेसिक है ये हमारे आने वाले क्लासेस में कनेक्टेड है। जो भी हमारे आगे की क्लासेस हैं उन सभी से इनका कुछ ना कुछ रिलेशन होगा। तो सबसे पहला, व्हाट डू यू मीन बाय कॉस्ट? हमारा सब्जेक्ट ही कॉस्टिंग है। सो माय क्वेश्चन टू यू इज दैट, व्हाट डू यू मीन बाय कॉस्ट? बिल्कुल, चैप्टर्स पे हम जाना स्टार्ट कर सकते हैं, बट ये बेसिक्स बहुत जरूरी है। हाई लेवल पे जाना जरूरी है, बट उससे पहले अपना बेस प्रिपेयर करना बहुत जरूरी है। तो एक बहुत सिंपल सा क्वेश्चन पूछा है आपसे मैंने, जो भी अगर आपके माइंड में है लेमेन लैंग्वेज में, या आपको बेसिक अंडरस्टैंडिंग है कुछ कॉस्ट की, तो वो भी बता सकते हो, आइदर लैंग्वेज हिंदी और इंग्लिश। बताएं, एक्सपेंसेस इनकर्ड। ठीक है, और कोई बताना? आउटफ्लो। ओके, और बताएं। हाँ जी, ओके, एक्सपेंसेस इनकर्ड, अपॉर्चुनिटी लॉस, और कोई? हाँ, प्राइजिंग। प्राइजिंग से मैं समझा नहीं, रिगार्डिंग। ओके, बट कॉस्ट निकालते हैं। ठीक है, ओके, एनीवन एल्स? ओके, एक्सपेंसेस इनकर्ड। ठीक है, चलते हैं कुछ डेफिनेशन पे। कॉस्ट मींस ऑल मॉनेटरी वैल्यू, मॉनेटरी वैल्यू, मॉनेटरी वैल्यू ऑफ ऑल सेक्रीफाइजेस मेड टू अचीव एन ऑब्जेक्टिव। देखना जरा, जो कॉस्ट होता है ना वो आपका, वो हमेशा मॉनिटरी वैल्यू में होगा। और मॉनिटरी वैल्यू में देखा जाता है कि जो आपने सेक्रीफाइसेस किए हैं ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए। एक कॉर्पोरेट का अगर मैं ऑब्जेक्टिव डिस्कस करूं ना, तो उसके सिर्फ और सिर्फ दो ही ऑब्जेक्टिव होते हैं, आइदर टू प्रोड्यूस अ गुड, और सेकेंड इज टू रेंडर अ सर्विस। यही ऑब्जेक्टिव होता है हर एक कंपनी का, हर एक कॉर्पोरेट का। आइदर इट विल बी प्रोड्यूसिंग अ गुड,
or rendering a service. So to produce a good or to render a service, all those sacrifices made which can be measured in monetary value becomes cost. चलो अगर इससे ना समझ में आया हो तो मैं आपके एग्जाम्पल पे ही चलता हूं. अभी आपका ऑब्जेक्टिव क्या है? सीए बनना. तो सीए बनने के लिए आपने कौन कौन से सेक्रीफाइसेस किए हैं? बहुत सारे, एंडलेस सेक्रीफाइसेस किए. और वो सेक्रीफाइसेस की अगर मैं बात करूं तो सेक्रीफाइसेस किस दिन स्टार्ट हुआ था? जब आपने रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिलअप किया था फाउंडेशन या फिर सीपीटी, जो आपने रजिस्ट्रेशन फीस पे की थी उस दिन से आपका सेक्रीफाइस स्टार्ट हो गया था. बाद में पता चला. हाँ, तो उसके बाद आपने एंडलेस सेक्रीफाइस आप करते गए. कुछ मॉनेटरी वैल्यूज में, जैसे कि आप जो कोचिंग क्लासेस की फीस पे करते हो, ट्रेवलिंग एक्सपेंसेस इनकर करते हो, कुछ बच्चे अगर बाहर से आए हुए हैं तो हॉस्टल, फूडिंग, ये तो बात थी मॉनेटरी की. नॉन मॉनेटरी सेक्रीफाइसेस कितने किए हैं आप लोगों ने? एंडलेस, जिनका कोई हिसाब ही नहीं. तो एक काम करना, आप आज जाके रजिस्टर में ना जितने भी आपके मॉनेटरी सेक्रीफाइसेस आपने किए हैं सबकी एक लिस्ट बना लेना, और उसके साथ साथ नॉन मॉनेटरी सेक्रीफाइसेस की लिस्ट बना लेना, और वो लिस्ट अपने पास हमेशा तैयार रखना. जिस दिन सीए बन जाओ ये सारी कॉस्ट आपको रिकवर करनी है. ठीक है. सो बात करते हैं सेक्रीफाइसेस की. ये सेक्रीफाइसेस जो है ना, इन्हें हम एलिमेंट ऑफ कॉस्ट भी बोलते हैं. एलिमेंट ऑफ कॉस्ट. कुछ याद है एलिमेंट ऑफ कॉस्ट? आईपीसीसी में पढ़ा होगा आपने एलिमेंट ऑफ कॉस्ट. मटेरियल कॉस्ट, लेबर कॉस्ट एंड ओवरहेड्स. प्रैक्टिकली क्लासिफिकेशन जो सेक्रीफाइसेस का है ना, ये जो हमारे सेक्रीफाइसेस हैं, जो एलिमेंट ऑफ कॉस्ट हैं, इन्हें कहा जाता है मटेरियल, लेबर एंड ओवरहेड में क्लासिफाई किया है. ठीक है. बट जो हम आपका थ्योरेटिकल क्लासिफिकेशन, इट्स मटेरियल लेबर एंड थर्ड इज एक्सपेंसेस. तो जो आप डेफिनेशन बता रहे थे कॉस्ट की, कि इट इज एन एक्सपेंसेस इनकर्ड टू प्रोड्यूस सर्टेन थिंग्स, तो इट विल बी लिमिटेड टू ओनली दिस. हमने मटेरियल और लेबर इंक्लूड नहीं करा. अच्छा, आपको प्रॉब्लम होती है कि जब वेरिएबल कॉस्ट दिया रहता है, वेरिएबल ओवरहेड दिया रहता है, तो क्लासिफिकेशन करने में प्रॉब्लम होती है, समझ में नहीं आता कि क्या है. होता है, वो प्रॉब्लम यहां से दूर करेंगे. देखना डायरेक्ट इसमें मटेरियल सबसे पहले डिस्कस करते हैं कि हमारा मटेरियल कॉस्ट है क्या. मटेरियल कॉस्ट मीन्स ऑल टेंजिबल एसेट विच हैज फिजिकल सब्सटेंस विच गेट कंज्यूम्ड ड्यूरिंग अ प्रोडक्शन और मीटिंग अ ऑब्जेक्टिव. मतलब ऑब्जेक्टिव का मतलब या तो हम सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं या फिर प्रोडक्शन कर रहे हैं.
तो अगर हम उस ऑब्जेक्टिव को पूरा करने के लिए कोई टेंजिबल एसेट कंज्यूम करते हैं जो कि जिसका फिजिकल सब्सटेंस है, इट बिकम्स अ मटेरियल कॉस्ट, इट बिकम्स अ मटेरियल कॉस्ट। फॉर एग्जाम्पल मुझे बताना, आई एम प्रोवाइडिंग द क्लासेस, दिस इज अ सर्विस, दिस इज अ सर्विस, वेदर द एसी विल बी अ मटेरियल कॉस्ट और नॉट, बताएं जरा, हां या ना? फिजिकल सब्सटेंस नहीं है, टेंजिबल एसेट नहीं है, दिखाई नहीं दे रहा, मतलब फिजिकल सब्सटेंस मींस विच कैन बी सीन बाय नेकेड आई, तो बताना वेदर इट विल बी अ मटेरियल कॉस्ट और नॉट। रीजन बिल्कुल हो रहा है, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, इट इज बीइंग यूज्ड नॉट कंज्यूम्ड। कंज्यूम्ड मींस आपके बैच के बाद इस एसी की कोई वैल्यू नहीं, मींस इट गेट कंज्यूम्ड देन इट विल बी अ मटेरियल कॉस्ट। मटेरियल कॉस्ट जो मॉड्यूल्स आपको दिए जाएंगे, इट विल बी अ मटेरियल कॉस्ट विच विल नॉट बी रीयूज्ड। ठीक है, देन बात करते हैं लेबर, लेबर कॉस्ट की। लेबर कॉस्ट मींस ऑल दी मैन पावर कॉस्ट, मैन पावर कॉस्ट, कॉस्टिंग, कॉस्ट अकाउंटिंग, यहां पे जो सैलरी है ना, सैलरी एंड वेजेस आर अ लेबर कॉस्ट। यहां पे कोई भी क्लासिफिकेशन, डिफरेंट क्लासिफिकेशन नहीं है, आइदर इट इज अ वेजेस विल ऑल्सो बी अ लेबर कॉस्ट, सैलरी विल ऑल्सो बी अ लेबर कॉस्ट। ठीक है, यहां पे क्लासिफिकेशन सिर्फ एक ही किया गया है कि दैट इट इज अ लेबर कॉस्ट। सो ऑल द मैन पावर कॉस्ट, मैन पावर कॉस्ट इज अ लेबर कॉस्ट। अब मैं अगर बोलूं तो लेबर, लेबर से आपके माइंड में क्या इमेज आती है? मजदूर, है ना? तो मैं बता दूं, मैं सर्विस प्रोवाइड कर रहा हूं एंड माय रेन्यूमरेशन इज आल्सो अ लेबर कॉस्ट, माय रेन्यूमरेशन इज आल्सो अ लेबर कॉस्ट फॉर दिस सर्विसेज। ठीक, एंड एक्सपेंसेस, द थर्ड क्लासिफिकेशन इज एक्सपेंसेस, जो मटेरियल के क्लासिफिकेशन में ना जाए जाए और जो ना लेबर के क्लासिफिकेशन में किया जा सके, वो हमारा एक्सपेंसेस। सो मटेरियल, टेंजिबल एसेट विच गेट कंज्यूम्ड, कंज्यूम्ड टू मीट एन ऑब्जेक्टिव, लेबर ऑल मैन पावर कॉस्ट, एक्सपेंसेस अदर देन मटेरियल एंड लेबर कॉस्ट, अदर देन मटेरियल एंड लेबर कॉस्ट। मटेरियल, लेबर एंड एक्सपेंसेस। नाउ वी विल बी सीइंग द डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट रिलेशनशिप। मटेरियल डायरेक्ट एक्सपेंसेस, डायरेक्ट लेबर एंड डायरेक्ट एक्सपेंसेस, इन तीनों को ऐड करने पे ना आपका प्राइम कॉस्ट आता है,
इन तीनों को अगर ऐड किया जाए, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर एंड डायरेक्ट एक्सपेंसेस, दिस बिकम्स आर प्राइम कॉस्ट। इनडायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट लेबर एंड इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, दिस इज कॉल्ड ओवरहेड्स। ऑल इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस आर ओवरहेड कॉस्ट। बात करते हैं ये डायरेक्ट और इनडायरेक्ट का क्लासिफिकेशन। डायरेक्ट और इनडायरेक्ट में क्लासिफिकेशन किस तरह से किया जाता है, बात करते हैं। कॉस्ट एंड कॉस्ट ऑब्जेक्ट की, कॉस्ट एंड कॉस्ट ऑब्जेक्ट की, कॉस्ट ऑब्जेक्ट, कॉस्ट ऑब्जेक्ट इज फॉर एग्जाम्पल, मेरे लिए कॉस्ट ऑब्जेक्ट क्या है, दिस बैच, दिस बैच इज अ कॉस्ट ऑब्जेक्ट, मीन्स टू प्रोवाइड द सर्विसेज टू दिस बैच इज अ कॉस्ट ऑब्जेक्ट। फॉर अदर एग्जाम्पल, अगर आप फर्नीचर कंपनी के लिए बात करो, अगर ये पोडियम मैन्युफैक्चर करना है उसे, सो दिस पोडियम इज अ कॉस्ट ऑब्जेक्ट फॉर दैट फर्नीचर कंपनी। फॉर सेम दिस बैच इज अ कॉस्ट ऑब्जेक्ट फॉर मी टू प्रोवाइड दिस, टू प्रोवाइड द सर्विसेज टू दिस बैच इज अ कॉस्ट ऑब्जेक्ट। सो द रिलेशन और एसोसिएशन ऑफ कॉस्ट टू कॉस्ट ऑब्जेक्ट, द एसोसिएशन ऑफ कॉस्ट विद द कॉस्ट ऑब्जेक्ट, इफ इट कैन बी आइडेंटिफाइड इन टू 1:1 बेसिस, इफ इट कैन बी आइडेंटिफाइड इन टू 1:1 बेसिस, दिस इज माई डायरेक्ट कॉस्ट, दिस इज माई डायरेक्ट कॉस्ट। फॉर एग्जाम्पल, मैंने आपको बोला था जो आपको मैं मेटीरियल नोट्स प्रोवाइड करूंगा, उसकी कॉस्ट मेरे लिए डायरेक्ट कॉस्ट है, उसकी कॉस्ट मेरे लिए डायरेक्ट कॉस्ट है, बिकॉज 1:1 पर स्टूडेंट इट कैन बी कंप्यूटेड। नाउ अदर मटेरियल, फॉर एग्जाम्पल आई एम यूजिंग दिस माइक, और इस माइक में जो सेल डाली जा रही है, बैटरीज यूज की जा रही है, वेदर इट इज अ डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, इनडायरेक्ट, क्योंकि आई कैन नॉट रिलेट ना कि एक स्टूडेंट पे मुझे कितना वॉइस या कितना बैटरी यूज करना पड़ा, आई कैन नॉट। हाँ, बैच वाइज, यस बैच वाइज इट कैन बी रिलेटेड, बट वेयर 1:1 रिलेशनशिप कैन नॉट बी एस्टेब्लिश, दिस बिकम्स इनडायरेक्ट है। ये जो एक्सपेंसेस है ना, ये एक्सपेंसेस आप इनकर कर रहे हो पूरे बैच के लिए, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट, टोटल मटेरियल कॉस्ट विल बी डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट, बट जो इनका एस्टेब्लिशमेंट है कि वेदर इट विल बी अ डायरेक्ट और इनडायरेक्ट कॉस्ट, मेरे कॉस्ट मुझे वो भी कंसिडर करना पड़ेगा, बट वो कॉस्ट मैं पर स्टूडेंट नहीं चार्ज कर सकता, ठीक है। तो जो आपकी फीस स्ट्रक्चर है, फीस स्ट्रक्चर है, उसमें मुझे पता है कि पर मॉड्यूल, मतलब एक मॉड्यूल सेट पर स्टूडेंट, व्हाट इज द कॉस्ट टू मी, सो आई कैन डिसाइड द फीस स्ट्रक्चर अकॉर्डिंगली, बट आई एम नॉट अवेयर अबाउट द सेल्स, बैटरीज, हाउ मेनी बैटरीज इट इज गोइंग टू टेक इन अ बैच। फाइन, ठीक है, फॉर मी इट इज दिस बैच एंड नंबर ऑफ स्टूडेंट, नंबर ऑफ स्टूडेंट मीन्स जो मैं आपको 1:1 बेसिस, मैंने वही चीज का, मेरे लिए कॉस्ट ऑब्जेक्ट भले ही आपका एक बैच है, बट बैच में भी 1:1 का रिलेशनशिप एस्टेब्लिश किया जा सके, ठीक है। वही जो आपकी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, जो आपका फर्नीचर कंपनी है, इट विल बी प्रोड्यूसिंग सेवरल सेवरल पोडियम्स, बट पर्टिकुलर एक सिंगल पोडियम के लिए उसका कॉस्ट क्या होगा, ठीक है। सो क्लियर है अभी डायरेक्ट इनडायरेक्ट का रिलेशनशिप।
मुझे बताना ये एक्सपेंसेस जो मटेरियल और लेबर में क्लासिफाइड नहीं है वो एक्सपेंसेस हैं, कोई एक्सपेंसेस के एग्जाम्पल दे सकते हैं? बिल्कुल सही, डेप्रिसिएशन, रेंट, इलेक्ट्रिसिटी, वेरी गुड एग्जाम्पल. सो ऑल दीज एक्सपेंसेस आर, ऑल दीज एक्सपेंसेस आर इनडायरेक्ट. बात समझने की कोशिश करना, जो लाइटिंग एक्सपेंसेस है आई कैन नॉट आइडेंटिफाई ना कि एक स्टूडेंट जो बिल्कुल लाइट के नीचे बैठा हुआ है इससे मुझे ज्यादा फीस चार्ज करनी चाहिए, है ना. सो या जो बिल्कुल एसी के नीचे बैठा हुआ है उससे मुझे ज्यादा चार्ज करना चाहिए बिकॉज ही माइट बी कंज्यूमिंग एक्स्ट्रा इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है. इट इज अ कंप्लीटली इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, इट इज कंप्लीटली इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस. सो आपने इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस का मुझे एग्जाम्पल बता दिया, डायरेक्ट एक्सपेंसेस का एग्जाम्पल बताना, कोई डायरेक्ट एक्सपेंसेस का एग्जाम्पल. सैलरी किस तरह से? सैलरी तो आइदर इट विल बी लेबर डायरेक्ट इनडायरेक्ट, ऑल दी सैलरीज एंड वेजेस विल गो अंडर द हेड ऑफ लेबर. यहां पे एक हेड क्रिएट किया हुआ है दैट इज लेबर, सो इट विल बी कम अंडर द लेबर कॉस्ट. हाँ, स्टेशनरी परचेजेस डायरेक्ट एक्सपेंसेस और इनडायरेक्ट. अगर मैंने स्टेशनरी परचेज किया, स्टेपलर्स परचेज करे, वेदर इट कैन बी रिलेटेड विद 1:1? यस, इन केस 1:1 रिलेशनशिप कैन बी एस्टेब्लिश, बट अगेन ध्यान देना, मटेरियल में कब क्लासिफाइड होगा और एक्सपेंसेस में कब क्लासिफाइड होगा? ओके, सही जा रहे हो, और बताओ. बिल्कुल सही जा रहे हो, मटेरियल इज टेंजिबल. एक्सपेंसेस के लिए यहां पे कोई मैंने टेंजिबल वर्ड यूज नहीं करा है, ठीक है. आप देखना इसके ना बहुत लिमिटेड एग्जाम्पल्स हैं. अगर आज के टाइम में किसी से आप डायरेक्ट एक्सपेंसेस का एग्जाम्पल पूछ लो ना, वो पहले तो सोचेगा कि डायरेक्ट एक्सपेंसेस होते भी हैं कि नहीं होते. रेंट, 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 हाँ, बट नहीं नहीं देखना, 1:1 का रिलेशनशिप एस्टेब्लिश नहीं किया जा सकता ना. मेरा मतलब यह है कि अगर जो ऑडी है, ऑडिटोरियम पर लैंडलॉर्ड है, इफ इट चार्जेस पर स्टूडेंट, कि आपके जितने नंबर ऑफ स्टूडेंट होंगे उसके हिसाब से आपका रेंट फिक्स किया जाएगा, देन इट इज अ डायरेक्ट, देन इट विल बी अ डायरेक्ट. अदरवाइज इट इज अ इनडायरेक्ट, मीन्स इट हैज नो रिलेशन विद द वॉल्यूम. 1:1 रिलेशनशिप इज नॉट एस्टेब्लिश्ड. पैकेजिंग 1:1 पैकेजिंग, और बताना. ओके, मीन्स एडिशनल एक्सपेंसेस गिफ्ट. ओके, एंड आप देखना एक रॉयल्टी एक्सपेंसेस होते हैं, रॉयल्टी एक्सपेंसेस. जनरली जो आपके टेक्नोलॉजिकल फील्ड्स हैं वहां पे रॉयल्टी एक्सपेंसेस हैं, या फिर आप कुछ एक्सपेंसेस इस तरह से करते हो, जॉब वर्क एक्सपेंसेस. जॉब वर्क एक्सपेंसेस मीन्स आई हैव गिवन सम पोर्शन ऑफ माय वर्क टू द अदर पर्सन आउटसोर्स्ड एंड ही इज चार्जिंग पर यूनिट टू मी. अगर मुझे पर यूनिट उससे कुछ चार्जेस पे करने हैं, देन इट बिकम्स अ डायरेक्ट एक्सपेंसेस, नाइदर अ मटेरियल नॉर अ लेबर, इट बिकम्स डायरेक्ट एक्सपेंसेस, ठीक है. सो यहां पे 1:1 का रिलेशनशिप बिल्कुल एस्टेब्लिश करके आप देखना, जब भी आपको क्लासिफाई करना हो वेदर इट इज अ डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, वेदर इट इज अ ओवरहेड और डायरेक्ट कॉस्ट. कई बार टर्म आपको दिया रहेगा जैसे कि कॉस्ट, मैं बोलूं वेरिएबल कॉस्ट,
वेरिएबल कॉस्ट एंड वेरिएबल ओवरहेड, बताना दोनों में क्या डिफरेंस है? हाँ, मीन्स दिस टर्म इज कॉस्ट एंड दिस टर्म इज ओवरहेड. दिस इज कॉस्ट, टोटल कॉस्ट. तो देखना, जब भी आपके पास इस तरह से दिया हो ना टर्म वेरिएबल कॉस्ट, टर्म दिया हो वेरिएबल कॉस्ट, देन यू हैव अ स्कोप फॉर डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट बोथ. बट व्हेन इट सेज वेरिएबल ओवरहेड, देन इट मींस ओनली इनडायरेक्ट, ओनली इनडायरेक्ट कॉस्ट. कई बार यहां पे बहुत स्टूडेंट्स गलती करते हैं कि वहां पे टोटल वेरिएबल कॉस्ट दिया हुआ था, दे हैव कंसिडर ओनली ओवरहेड पोर्शन, या ओवरहेड दिया हुआ था वहां पे टोटल कॉस्ट कंसिडरेशन बेसिस पे ले लिया. नाउ बात करते हैं, ये जो आपके ओवरहेड्स है ना, ओवरहेड्स के क्लासिफिकेशन. ओवरहेड्स क्लासिफिकेशन, हाँ जी बताएं. हाँ, वेरिएबल कैसे हुए? वेरिएबल कुछ इस तरह से हुए, कुछ खर्चे हमारे ऐसे हैं जो कि फिक्स्ड होंगे, जैसे कि हमारा रेंट, ठीक है. कुछ खर्चे हमारे होंगे जो कि फिक्स्ड नहीं होंगे. अब जो क्लासिफिकेशन है ना वेरिएबिलिटी के बेसिस पे, एक वेरिएबल एक फिक्स्ड. जो रेंट है हमारा, इट इज अ फिक्स्ड, चाहे क्लासेस हो या ना हो, इट विल बी इनकर्ड. इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस, अगर बैच होगा तो क्लासेस खुलेंगी, तब एसी चलेगा, तब इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस इनकर होगा, ठीक है. बट दिस एक्सपेंसेस कैन नॉट बी रिलेटेड 1:1 बेसिस, देन इट बिकम्स इनडायरेक्ट. ओवरहेड क्लासिफिकेशन, हाँ बताएं. वेरिएबल कॉस्ट इंक्लूड्स वेरिएबल ओवरहेड आल्सो. कॉस्ट मींस इट हैज अ स्कोप फॉर डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट बोथ. जहां पे आपको कॉस्ट टर्म दिया हो ना, वहां पे आपको थोड़ा सा केयरफुली चेक करना पड़ेगा वेदर दिस कॉस्ट इज पर्टिकुलरली सेइंग फॉर द डायरेक्ट कॉस्ट ओनली और इनडायरेक्ट कॉस्ट ऑल्सो, ठीक है. फैक्ट्री ओवरहेड, एडमिनिस्ट्रेशन एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड. नाउ ओवरहेड तो आपको समझ में आ गया, ओवरहेड समझ में आ गया. अब बात करते हैं ये जो क्लासिफिकेशन है, दीज क्लासिफिकेशन आर कॉल्ड फंक्शनल क्लासिफिकेशन अकॉर्डिंग टू दी फंक्शंस, जो आप फंक्शंस परफॉर्म करते हो. फैक्ट्री, अगर मैं बात करूं जो मेरा इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस हैं, दिस एक्सपेंस इज अ इनडायरेक्ट एक्सपेंस, ओवरहेड कॉस्ट. और फैक्ट्री में फैक्ट्री इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस विल गो अंडर हेड फैक्ट्री ओवरहेड्स. और वही जो ऑफिस एडमिनिस्ट्रेशन ऑफिस, वहां पे जो एक्सपेंसेस इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस इनकर किए जा रहे हैं वो मेरे एडमिनिस्ट्रेशन. फिर आपका मार्केटिंग
टीम भी हो सकती है। मार्केटिंग टीम अगर कुछ एक्सपेंसेस इनकर करती है तो वो हमारे सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स। सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स देखना, ये दो अलग-अलग टर्म्स हैं जिनके डिफरेंट मीनिंग है, बट आपने देखा होगा ये कंबाइंडली लिखे जाते हैं, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन। व्हाट डू यू मीन बाय सेलिंग ओवरहेड्स? सेलिंग ओवरहेड्स होते क्या हैं? बिल्कुल सही, मार्केटिंग एक्सपेंसेस। हाँ, यस यस, इट सेज दैट एक्सपेंसेस इनकर्ड इनकर्ड टू जनरेट अ डिमांड। जो हमारे सेलिंग ओवरहेड्स हैं, ये कौन से ओवरहेड्स हैं? वो एक्सपेंसेस, वो इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस जो कि इनकर किए जाते हैं टू जनरेट अ डिमांड। डिमांड होती नहीं है, मगर आप उसे जनरेट क्रिएट करने के लिए, डिमांड क्रिएट करने के लिए जो खर्चे किए जाएं वो हमारे सेलिंग ओवरहेड्स। सो एक्सपेंसेस एक्सपेंसेस इनकर्ड इनकर्ड टू जनरेट और क्रिएट अ डिमांड इज अ सेलिंग ओवरहेड। हाँ, एडवर्टीजमेंट इज अ सेलिंग, एडवर्टीजमेंट इज डन टू क्रिएट अ डिमांड। उसका पर्पस, एडवर्टीजमेंट हैज अ पर्पस ओनली टू क्रिएट अ डिमांड, टू क्रिएट अ सेल्स। डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स बताना, डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, एक्सपेंसेस इनकर्ड टू सेटिस्फाई डिमांड, एक्सपेंसेस इनकर्ड इनकर्ड टू सेटिस्फाई सेटिस्फाई दे डिमांड। दिस कॉस्ट, दिस एक्सपेंसेस इज इनकर्ड टू सेटिस्फाई द डिमांड। जो आपने अभी डिमांड जनरेट क्रिएट किया ना, वो डिमांड जो अब आपकी क्रिएट हुई है उसे सेटिस्फाई करने के लिए जो आप एक्सपेंसेस इनकर करते हो, दिस इज अ डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट। बात करते हैं कॉस्ट शीट की। कॉस्ट शीट, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंसेस एंड ऑल दिस बिकम्स योर प्राइम कॉस्ट। देन वी एड फैक्ट्री ओवरहेड, फैक्ट्री ओवरहेड्स whether it's variable or fixed, so this becomes factory factory cost or work cost and also called production cost, also called production cost।
देन वी एड द एडमिनिस्ट्रेशन एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड This becomes cost of production. ध्यान देना production cost and cost of production word का interchange है, word का interchange है और difference administration overhead का है. अगर cost of production कहा जाता है it means it includes the administration overhead also and it if it's production cost it means it is only It includes factory cost. Production cost के बाद आप एड करते हो ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स एंड बता सकते हो इस टर्म को एड करने के बाद आपका टर्म यस Cost of goods, available for sale, and when we reduce closing a stock of finished goods. This term becomes cost of sales. Cost of goods sold. Cost of goods sold. COGS. जो आप COGS and When we add selling and distribution overhead, this becomes cost of sales. And Add profit or loss this becomes our sales over or under absorbed overheads वो भी आप यहां पे add करते हो add or less वो सेपरेट कॉस्ट शीट कंप्लीट कॉस्ट शीट में आपको प्रिपेयर करवाऊंगा जहां पे कि डायरेक्ट मटेरियल के इन्वेंटरीज WIP के इन्वेंटरीज फिनिश गुड्स के इन्वेंटरीज एंड जो आपने ओवरहेड्स एब्जॉर्ब करे हैं अंडर है या ओवर है वो हम कंसिडर करेंगे ठीक है अभी इस कॉस्ट शीट के बेसिस पे आगे चलते हैं मेथड ऑफ कॉस्टिंग बता सकते हो कितने कितने मेथड्स हैं हमारे कॉस्टिंग के हाँ मार्जिनल एंड एब्जॉर्प्शन तो जो हमने कॉस्ट शीट प्रिपेयर की ना इट इज एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग सो मेथड ऑफ कॉस्टिंग इज absorption costing and marginal costing
नाउ जो हमने ऊपर प्रिपेयर किया था कॉशीट, दिस वॉज एब्जॉर्प्शन मेथड. नाउ कॉशीट मार्जिनल पर्टिकुलर्स अमाउंट रिवर्स मैनर में प्रिपेयर कर रहा हूं, रिवर्स मैनर में, दैट इज सेल्स लेस वेरिएबल कॉस्ट. दिस विल बी कॉन्ट्रीब्यूशन लेस फिक्स्ड कॉस्ट. दिस विल बी प्रॉफिट. ध्यान देने वाली बात है यहां पे जो कॉस्ट का क्लासिफिकेशन है ना, इट इज बेस्ड ऑन वेरिएबिलिटी, दैट इज आइदर इट विल बी वेरिएबल और फिक्स्ड. यहां पे कॉस्ट का नेचर या तो वेरिएबल होगा या फिर होगा आपका फिक्स्ड, और कोई क्लासिफिकेशन नहीं. ठीक है, जो आपका एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग है इट वर्क्स ऑन द फंक्शनल फंक्शनल क्लासिफिकेशन. नाउ फ्लेक्सिबल बजट, फ्लेक्सिबल बजट आपने प्रिपेयर किया होगा, कई बार प्रिपेयर किया होगा. बताना फ्लेक्सिबल बजट में हम करते क्या है, नंबर ऑफ यूनिट्स वेरी करते हैं, तो उसके अकॉर्डिंग हम क्या करते हैं. हाँ, फिक्स्ड बजट एक बेसिस होता है जिसके बेसिस पे हम फ्लेक्सिबल बजट अपना प्रिपेयर करते हैं. अगेन यहां पे जो आप जब भी फ्लेक्सिबल बजट प्रिपेयर करोगे ना, तो फ्लेक्सिबल बजट प्रिपेयर करने के लिए कॉस्ट को तीन हेड्स में क्लासिफाई करोगे. द फर्स्ट हेड इज वेरिएबल, वेरिएबल कॉस्ट. वेरिएबल कॉस्ट आर दोज कॉस्ट विच वेरी विद द यूनिट आउटपुट लेवल एक्टिविटी लेवल, दैट वेरी विद द आउटपुट लेवल एक्टिविटी लेवल. सो पर यूनिट द कॉस्ट पर यूनिट इज सेम, द कॉस्ट पर यूनिट इज सेम. अगर मैं आपको बोलूं आपने फ्लेक्सिबल बजट बनाना है 10,000 यूनिट्स पर, ये लो मैंने आपको लेवल भी दे दिया 10,000 एंड 20,000 लेवल पे, द पर यूनिट वेरिएबल कॉस्ट विल रिमेन सेम. वही बात की जाए फिक्स्ड कॉस्ट की, वही बात की जाए फिक्स्ड कॉस्ट की, फिक्स्ड कॉस्ट विल रिमेन सेम, विल रिमेन सेम बट नॉट यूनिट वाइज, इट विल रिमेन सेम इन टोटलिटी, सेम इन टोटलिटी, टोटल सेम इन टोटल. थर्ड इज सेमी वेरिएबल कॉस्ट, सेमी वेरिएबल कॉस्ट. और सेमी वेरिएबल कॉस्ट को आपको क्लासिफाई या फिर स्प्लिट करना होता है वेरिएबल कॉस्ट में, वेरिएबल कॉस्ट एंड फिक्स्ड कॉस्ट. यू नीड टू
सेग्रीगेट सेमी वेरिएबल कॉस्ट इनटू वेरिएबल कॉस्ट एंड फिक्स्ड कॉस्ट, एंड अगेन द वेरिएबल कॉस्ट हेयर विल रिमेन सेम पर यूनिट एंड फिक्स्ड कॉस्ट टोटल सेम. In total, it will be same. Now, how to segregate our semi-variable cost? How to segregate semi-variable cost into variable and fixed cost? Segregation of semi-variable कॉस्ट, आप कैसे सेग्रीगेट करोगे? देखना, एक मेथड है आपका हाई लो पॉइंट मेथड. सुना इस मेथड के बारे में आप लोगों ने, और कई बार इसे अप्लाई भी किया होगा. हाई लो पॉइंट मेथड होता क्या है कि आपके दो लेवल पे, किसी भी दो लेवल पे आप टोटल ओवरहेड्स का डिफरेंस देखते हो और टोटल वॉल्यूम का, आउटपुट लेवल का डिफरेंस देखते हो, और अपना वेरिएबल कॉस्ट कंप्यूट करते हो. करें, आप क्या करते हो? हाई लो पॉइंट मेथड है क्या आपका डिफरेंस इन ओवरहेड्स, डिफरेंट इन ओवरहेड कॉस्ट एट एनी टू लेवल्स एंड डिफरेंस इन आउटपुट लेवल एंड इट इज ऑल्सो एट एनी टू लेवल बट दिस लेवल शुड बी सेम. मतलब ऐसा नहीं ओवरहेड 10 और 20,000 का के कॉस्ट का डिफरेंस और आउटपुट 10 और 15,000 का डिफरेंस. जिस लेवल का डिफरेंस आप लोगे ओवरहेड कॉस्ट के लिए, वही लेवल होना चाहिए आपका आउटपुट का. फॉर एग्जाम्पल अच्छा, इससे आपका आएगा वेरिएबल ओवरहेड कॉस्ट, और वो भी आएगा आपका पर यूनिट. और फिक्स्ड कॉस्ट आप कैसे निकालोगे? फिक्स्ड कॉस्ट आप टोटल ओवरहेड कॉस्ट किसी भी लेवल का ले लेना आप, माइनस कर देना वेरिएबल ओवरहेड कॉस्ट. पर यूनिट नहीं, टोटल मींस जो आपका पर यूनिट आया इनटू नंबर ऑफ यूनिट्स जिस लेवल का आप ओवरहेड कॉस्ट ले रहे हो. फॉर एग्जाम्पल आप 10,000 यूनिट यहां पे यूनिट्स आउटपुट लेवल आपका 10,000 यूनिट्स और 15,000 यूनिट्स एंड 20,000 यूनिट्स, ये आपके आउटपुट लेवल है. जो आपका सेमी वेरिएबल कॉस्ट है वो है 1,40,000, 1,90,000 एंड 2,40,000. सो आपका वेरिएबल ओवरहेड कॉस्ट पर यूनिट विल बी
देखना, किसी भी दो लेवल का डिफरेंस लिया जा सकता है। किस लेवल का डिफरेंस लेना चाहते हो, फर्स्ट एंड लास्ट और फर्स्ट और सेकंड? फर्स्ट एंड लास्ट। ओके, तो मैंने लिया 240 माइनस 140 डिवाइडेड बाय 20,000 माइनस 15,000 और 10,000। 10,000 बिल्कुल, आप वही लेवल लोगे आउटपुट का जिसपे आपने ओवरहेड कॉस्ट का डिफरेंस लिया है। सो बताना मुझे, वेरिएबल ओवरहेड कॉस्ट ₹10 पर यूनिट। अब देखना, आप फिक्स्ड ओवरहेड कॉस्ट निकालना चाहते, फिक्स्ड ओवरहेड कॉस्ट दैट आई कैन कंप्यूट इवन एट 15,000 लेवल, इवन एट 15,000, इवन दो आई हैव नॉट कंसिडर्ड इन कंप्यूटिंग द वेरिएबल कॉस्ट। वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट में मैंने कंसिडर नहीं किया, बट उस लेवल पे भी मैं अपना फिक्स्ड कॉस्ट निकाल सकता हूं। देखना, 1,90,000 माइनस 15,000 इंटू 10, द फिक्स्ड कॉस्ट इज 40,000, द फिक्स्ड कॉस्ट इज 40,000। ठीक, ये कुछ बेसिक्स थे जिनकी जरूरत हमें आगे की क्लासेस में पड़ेंगी। इसके साथ साथ जो भी अदर बेसिक्स होंगे वो चैप्टर के बिल्कुल स्टार्टिंग में वी विल बी डिस्कसिंग, बट ये कुछ हमारे बेसिक्स हैं जो कहीं ना कहीं हर चैप्टर में हमें, या मोस्ट ऑफ द चैप्टर्स वी विल बी फेसिंग। सो वी आर नाउ गोइंग टू स्टार्ट प्राइजिंग डिसीजन। प्राइजिंग डिसीजन, प्राइजिंग डिसीजन इज अ डिसीजन रिगार्डिंग फिक्सेशन ऑफ सेलिंग प्राइस, द प्राइस एट विच यू ऑफर योर गुड्स एंड सर्विसेज टू योर कस्टमर, एंड इट इज वन ऑफ द मोस्ट क्रूशल एंड इंपॉर्टेंट डिसीजन फॉर अ मैनेजमेंट। आप बोलोगे कौन सा इंपॉर्टेंट डिसीजन है, एक सेलिंग प्राइस ही तो फिक्स करना है, एक सेलिंग प्राइस ही तो फिक्स करना है। तो चलो मैं आपको एक प्रैक्टिकल सिचुएशन में डालता हूं। सपोज करो आप चार्टेड अकाउंटेंट बन चुके हो और आपने अपना सीए फर्म या प्रैक्टिस स्टार्ट किया और आपको अपना पहला क्लाइंट मिलता है और वो आपसे जीएसटी वर्क कराना चाहता है, जीएसटी का कुछ काम है वो आपसे कराना चाहता है, लेट्स से जीएसटी रजिस्ट्रेशन। मुझे बताना फीस क्या कोट करोगे उसे, कितनी फीस कोट करोगे उसे? हाँ, कॉम्पिटिटिव फीस। फिर भी व्हाट कॉम्पिटिटिव फीस, व्हाट काइंड ऑफ? कॉस्ट से भी कम कर सकते हैं, समझने की कोशिश करना। हमारे तो अभी कोई गुडविल है नहीं, ठीक है, अभी पहले है। बट होगा क्या कि जब आप कम प्राइस कोट करोगे ना, तो सीधा सीधा एक साइकोलॉजिकल इफेक्ट जाता है कि शायद कुछ क्वालिटी में ना कम है, क्लाइंट नहीं आएगा। कम कोट करके देखना, बातें जरूर करेगा कि हाँ 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 करवाना है, इंक्वायरीज करेगा, आपसे बात करेगा, मगर काम नहीं करवाएगा। हाँ जी, और बताना, कम तो कोट नहीं करेंगे। फिर रेलिवेंट कॉस्ट, रेलिवेंट कॉस्ट जैसे कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट। देखो, पहला क्लाइंट है और मेरे पास और कुछ काम भी नहीं है, दिन रात मैं उसी पे काम कर रहा हूं, सोच लो पर आर मेरा कितना टाइम लगा है। कैन आई चार्ज ऑल माई एफर्ट्स फ्रॉम अ सिंगल क्लाइंट? नॉट पॉसिबल। और बताएं, मार्केट
मार्केट प्राइस, मार्केट प्राइस अगर कोई एस्टेब्लिश फर्म है जो कि 10,000 रुपीज रजिस्ट्रेशन का चार्ज कर रही है, तो अगेन कस्टमर के माइंड में होगा कि 10,000 जब मुझे आपको देना है तो व्हाई नॉट दैट एस्टेब्लिश फर्म। ठीक है, सो द माई माई पॉइंट इज दैट कि एक प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर करना, किस कॉस्ट पे मैन्युफैक्चर करना है, प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर करना इज नॉट अ बिग डील। द बिग डील इज टू सेल इट, एट वॉट प्राइस यू आर गोइंग टू सेल। इट इज वन ऑफ द मोस्ट क्रुशियल एंड इंपॉर्टेंट डिसीजन, क्योंकि मैन्युफैक्चर कर लेना, किस कॉस्ट पे मैन्युफैक्चर करना है, इट इज अ सेकेंडरी थिंग। द फर्स्ट थिंग, द प्रोडक्ट शुड बी सोल्ड एंड इट इज द प्राइस, इट इज द प्राइस विच डिसाइड इट्स सेल्स। सो इट इज वन ऑफ द मोस्ट क्रूशल एंड इंपॉर्टेंट डिसीजन। क्रूशल क्यों है देखना, क्योंकि जो आपका सेलिंग प्राइस होता है ना, सेलिंग प्राइस, इसमें आपका मार्जिन पोर्शन भी रहता है, प्रॉफिट पोर्शन, एंड दैट प्रॉफिट पोर्शन इज वेरी मच इंपॉर्टेंट फॉर योर लॉन्ग टर्म सर्वाइवल। एंड कॉमर्शियल, अ कॉमर्शियल फर्म और ऑर्गेनाइजेशन कैन नॉट सर्वाइव इन द लॉन्ग टर्म विद मेकिंग लॉसेस। हैव यू एवर सीन एनी फर्म और कंपनी मेकिंग लॉसेस एंड सर्वाइवल इन द लॉन्ग टर्म? नॉट पॉसिबल। इट गोइंग प्रिंसिपल विल गेट अफेक्टेड, इट गोइंग प्रिंसिपल विल गेट अफेक्टेड अनलेस एंड अंटिल इट हैव अ डीप पॉकेट, अनलेस एंड अंटिल इट हैव अ डीप पॉकेट, डीप इन्वेस्टमेंट्स। सो अगर कोई फर्म है जो कि लॉस इनकरिंग है, इट कैन नॉट सस्टेन इट सेल्फ इन द मार्केट, सो द प्रॉफिट अर्निंग इज द बेसिक नेसेसिटी एंड इंपॉर्टेंट डिसीजन ऑल्सो। आप देखना, डे बाय डे कंपटीशन इज इंक्रीजिंग। आप देखो आज के टाइम में जियो एंड एयरटेल, अगर आपके प्राइजेस आपके कंपटीटर से स्लाइटली हायर हैं, तो आपके जो कस्टमर है ना, वो आपके कंपटीटर के पास चले जाएंगे। ठीक है, तो एयरटेल और जियो में क्या हुआ? यही तो हुआ, जो एयरटेल के कस्टमर्स थे, दे स्विच टू द जियो ड्यू टू देयर टैरिफ रेट्स, एंड टू मैच दैट कंपटीशन, एयरटेल ऑल्सो हैज टू रिड्यूस इट्स प्राइजिंग, वॉट एवर मे बी द कॉस्ट। जो भी कॉस्ट इनकर कर रही हो एयरटेल और आइदर जियो, बट इट इज द प्राइजिंग, इट इज द प्राइजिंग स्ट्रक्चर। सो इट इज वन ऑफ द मोस्ट क्रूशल एंड डिफिकल्ट डिसीजन विच मैनेजमेंट हैज टू मेक। द सेकेंड इज ग्रोथ एंड प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन लार्जली डिपेंड अपॉन इट्स प्राइजिंग डिसीजन। ओनली अ प्रॉफिटेबल कंपनी कैन ग्रो। जो आपका एक प्रॉफिटेबल कंपनी है, इट कैन ओनली ग्रो। कभी आपने ऐसा देखा है कि एक लॉस मेकिंग कंपनी ग्रो करती है? नॉट पॉसिबल। प्राइजिंग आर ऑफ टू टाइप्स, प्राइजिंग फॉर द एक्सटर्नल कस्टमर एंड प्राइजिंग फॉर द इंटरनल कस्टमर। एक्सटर्नल कस्टमर प्राइजिंग डिसीजन चैप्टर है जो कि हम करेंगे, एंड नेक्स्ट चैप्टर हमारा ट्रांसफर प्राइजिंग होगा, दैट इज फॉर प्राइजिंग फॉर इंटरनल कस्टमर्स। केस स्टडीज कुछ हमारी, कुछ जिससे कि आप इस चैप्टर का और रेलिवेंट समझ सकते हो। एयरलाइन कंपनी की मैं बात करूं, आपने कभी टिकट प्राइजिंग, द साइंस बिहाइंड द टिकट ऑफ एयरलाइन कंपनीज, उनके बारे में सोचा है कभी? मतलब आप 2 महीने पहले बुक कराते हो, द टिकट प्राइजेस आर लो, बट व्हेन यू फिक्स द बुक द टिकट्स बिफोर 2 डेज और एन इमरजेंसी बुकिंग, यू हैव टू पे अ हायर प्राइजेस, सर्ज प्राइजेस, इवन दो देर आर सीट्स अवेलेबल, देर आर सीट्स अवेलेबल, बट द प्राइजेस आर हाई। ऑल्सो इफ वी सी द डिस्टेंस, अगर मुझे सपोज करो दिल्ली टू मुंबई जाना है, द डिस्टेंस इज 1500 किलोमीटर्स, द टिकट प्राइजेस आर ऑन एन एवरेज बेसिस 6,000-7,000। बट इफ आई हैव टू गो दिल्ली टू वाराणसी, द डिस्टेंस इज 750 किलोमीटर्स, हाफ ऑफ द डिस्टेंस ऑफ
दिल्ली टू मुंबई, बट द टिकट प्राइजेस आर 12,000, 14,000 और 16,000. कैन यू टेल द रीजन व्हाई? यस, डिमांड. द दिल्ली टू मुंबई, दिस इज अ फ्रीक्वेंट फ्लाइंग सेक्टर. फ्रीक्वेंट फ्लाइंग सेक्टर वी हैव अ ह्यूज डिमांड, बट दिल्ली टू वाराणसी द फ्लाइट और द डिमांड इज लेस, सो द प्राइजेस इंक्रीज ऑटोमेटिकली. ऑल्सो अ कंपनी विच सेल इट फोन्स एट अ वेरी हाई प्राइजेस एंड इट्स नेम इज एप्पल. द प्राइजेस आर सो मच हाई दैट इट्स 80,000, 90,000 फॉर अ सेल फोन एंड द कस्टमर्स आर क्रेजी टू बाय दैट फोन. आपको याद होगा जब एप्पल आईफोन आई थिंक 6 और 7 लॉन्च हुआ था, तब स्टोर्स के बाहर रात भर लाइन लगी हुई थी, याद है? हाँ हाँ, क्योंकि इंडिया में कुछ दिनों बाद अवेलेबल हुआ था. हाँ, सो समझ सकते हो कि एक कंपनी, ऐसी कंपनी जो कि हाई प्राइजेस पे सेल फोन्स लॉन्च कर रही है एंड स्टिल देयर इज अ ह्यूज डिमांड. ऐसा नहीं है कि इससे बेटर फोन मार्केट्स में अवेलेबल नहीं है, इससे बेटर फोन्स भी मार्केट में अवेलेबल हैं, फीचर्स भी अच्छे हैं, बट दिस फोन इज एबल टू क्रिएट द डिमांड एट द हायर लेवल प्राइजेस ऑल्सो. देन ऑडी कार, कितने लोगों को ऑडी कार पसंद है? किसी को पसंद नहीं? गिफ्ट में मिले फिर भी नहीं? गिफ्ट में मिले तब पसंद है. हाँ, वो तो नैनो भी मिलेगी तब भी पसंद होगा. हाँ, तभी तो गिफ्ट में मिलना शुरू होगी वो. हाँ, सो आप लोगों ने सपोज करो अभी एम कर रखा है कि जिस दिन सीए बन जाएंगे उस दिन ऑडी कार, या थोड़ा लेटर ऑन जब थोड़ा अर्न कर लेंगे, फाइनेंशियल बर्डन तो शुरू में नहीं लेंगे, जब अर्न कर लेंगे तब ऑडी कार परचेज करेंगे. सपोज करो आपका वो दिन आ गया, आपने ऑडी कार परचेज किया एंड लेटर 6 months लेटर यू गॉट अ न्यूज दैट ऑडी कार कंपनी इज गोइंग टू लॉन्च अ बजटेड कार. एक आपने ऑडी कोई मॉडल Q3 परचेज किया जिसका प्राइस 50 लाख रुपीज, एंड ऑडी कार ने अनाउंस करा दैट दे आर गोइंग टू इंट्रोड्यूस द बजटेड कार. कैन यू एस्टिमेट द प्राइस ऑफ बजटेड दैट बजटेड कार बाय ऑडी? 5 लाख्स, 20 लाख्स, ये तो बजट से बाहर हो जाएगा फिर. मतलब बजट समझने की कोशिश करना, 5 लाख इज अ बजट कार बट 20 लाख इज नॉट अ बजट कार, इट बिकम्स अ लग्जरी कार. ठीक है, एंड ऑडी कार कंपनी विल नेवर टेक अ डिसीजन, सच डिसीजन. समझ सकते हो क्यों? क्योंकि सपोज करो, हाँ सपोज करो आप ड्राइव कर रहे हो 50 लाख रुपीज कार एंड आपके बराबर में आपका कोई जूनियर आया जो कि ऑडी कार 5 लाख बजटेड कार लेकर आपके साथ चल रहा है, तो आपको कैसा फील होगा? सोच सकते हो व्हाई वी परचेज द एप्पल फोन, व्हाई वी परचेज द ऑडी कार? बता सकते हो क्यों? शो ऑफ, जाहिर सी बात है, शो ऑफ करने के लिए. तो अगर बजटेड कार में ऑडी कार ने अपना लॉन्च किया तो दे विल लूज देयर ब्रांड वैल्यू, उनकी मार्केट खत्म हो जाएगी. दे नो दिस थिंग एंड दिस इज द रीजन दे नेवर इंट्रोड्यूस अ बजटेड कार. उन्हें पता है दैट इवन दे इंट्रोड्यूस 2 करोड़ रुपीज कार ना, दे विल बी इवन एबल टू जनरेट द डिमांड बिकॉज दे नो द सेल्स एंड डिमांड पैटर्न. नाउ ओला उबेर, इनका अगर आपने देखा हो 5 to 6 years एगो, इनकी प्राइसिंग स्ट्रेटजी क्या थी, एंट्रिंग स्ट्रेटजी क्या थी? फ्री राइड्स कितने लोगों ने अवेल किया? आई थिंक सबने. सबने ओला उबेर, उन्होंने उनका पर्पस क्या था? क्योंकि जो उनका
रीच है ना कस्टमर का, वो उनके प्लेटफॉर्म से था, तो उन्होंने क्या करा, दे ऑफर दी फ्री राइड्स, डिस्काउंट राइड्स, जिससे कि वो पेनिट्रेट करना चाहते थे, मास मार्केट कैप्चर करना चाहते थे. वंस दे एक्वायर दैट मार्केट, दे इन स्टार्टेड इंक्रीजिंग देयर प्राइसिंग. देन क्लोथिंग रिटेल इंडस्ट्री, आपने कभी देखा है जब आप कुछ चीजें परचेज करने जाते हो, प्राइस टैग टंगा होता है 2999 इंस्टेड ऑफ 3000. व्हाई इट इज सो? बिल्कुल सही, ह्यूमन साइकोलॉजिकल. ये जो आपका प्राइसिंग स्ट्रक्चर है ना, दिस इज डिसाइडेड ऑल्सो कंसिडरिंग द ह्यूमन साइकोलॉजिकल बिहेवियर. आपको अगर 3000 बताया जाना तो आपको लगेगा समथिंग फिगर्स आर इन 3000, बट वही अगर 2999 होना तो यू विल बी थिंकिंग समथिंग द फिगर इज इन 2000. यू कैन इवन मैनेज, बट स्टिल यू आर पेइंग 3000 रुपीज. ऑल्सो आपने देखा हो कि जब आप मॉल्स में या ब्रांडेड शोरूम्स पे जाते हो या क्लोथिंग शॉपिंग्स करने जाते हो, तो वहां पे जो क्लोथ्स हैं उनके प्राइस टैग्स काफी ज्यादा हाई होते हैं, लगता है या नहीं, या मुझे ही लगता है सिर्फ ऐसा लगता है ना, जब आप जाते हो परचेज करने तो प्राइजेस कुछ ज्यादा रहते हैं वहां पे, प्राइजेस कुछ ज्यादा रहते हैं. दैट ऑन दैट डे व्हाट यू थिंक, लेट द सेल कम. आप ये सोचते ना कि सेल तो आएगी तब परचेज कर लेंगे, एंड जैसे ही आपके पास मैसेज आता है ना कि 50% ऑफ, वीकेंड ऑफ, मॉनसून ऑफ, सो यू स्टार्ट रशिंग टू द स्टोर्स एंड परचेज दैट थिंग, एंड यू वोंट बिलीव दैट क्लोथ वर इंटेंडेड टू सेल एट 50% ऑफ इट्स प्राइस ओनली. वो जो सेल का पीरियड होता है ना, 1 month, 2 month का, उस पीरियड में वो इतना सेल जनरेट कर लेते हैं, इतना प्रॉफिट जनरेट कर लेते हैं, जो कि वो पूरे साल में भी जनरेट नहीं कर पाते, या पूरे साल का प्रॉफिट वो उन 1.5-2 महीनों में ही जनरेट कर लेते हैं. सो इट इज कंप्लीटली ऑन द साइकोलॉजिकल बिहेवियर. मार्केट एंट्री स्ट्रेटेजी की बात करें तो इट इज स्किमिंग प्राइसिंग. स्किमिंग प्राइसिंग, इट इज अ प्राइसिंग मेथड वेयर अ वेरी हाई प्राइस इज चार्ज इनिशियली एंड देन इट इज रिड्यूस ग्रेजुअली अ पीरियड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम. स्किमिंग, स्किमिंग जो ये नाम आया है ना, ये नाम आपका स्किम्ड मिल्क, पता है आपको स्किम्ड मिल्क, स्किम मिल्क की फीचर्स क्या है, क्या है स्किम मिल्क? फैट फ्री. मतलब होता क्या है कि जो मिल्क है, मिल्क में से क्रीम निकाल दी जाती है, क्रीम निकाल ली जाती है, स्किम किया जाता है और उसके बाद वो सर्व किया जाता है. तो ऐसी सोसाइटी में कुछ क्रीमी लेयर हैं, कुछ क्रीमी लेयर हैं जिनकी पेइंग एबिलिटी ज्यादा होती है, जिनकी पेइंग एबिलिटी ज्यादा होती है. तो ये वाले जो प्रोडक्ट्स होते हैं ना, इनिशियल स्टेज पे सबसे पहले क्रीमी लेयर्स को टारगेट किया जाता है, क्योंकि ये तभी परचेज करेंगे. सोसाइटी में कुछ ऐसे लोग होते हैं जिनकी पेइंग कैपेसिटी ज्यादा है, तो वो तभी परचेज करेंगे जब उनके सोशल स्टेटस को वो मीट करता हो. मतलब उनके प्राइजेस ज्यादा होंगे ना, तभी वो परचेज करेंगे, अगर प्राइजेस कम होंगे तो परचेज नहीं करेंगे. आप एग्जांपल के लिए आईफोन ले लो, एप्पल आईफोन. प्राइजेस ज्यादा होते हैं, प्राइजेस ज्यादा होते हैं तो इट रिप्रेजेंट ज्यादा शो ऑफ. बात करते हैं क्रीमी लेयर की, तो इनिशियल स्टेज पे हाई प्राइजेस. नाउ एक बार जब वो लेयर टारगेट कर लिया जाता है, वहां से डिमांड पूरी हो जाती है ना, तो उसके बाद कुछ लोग वेट कर रहे होते हैं कि एप्पल फोन के प्राइजेस थोड़े से कम हो तो हम परचेज करें, होता है. तो ये नेक्स्ट लेवल पे फिर टारगेट किया जाता है. The prices are reduced to target that level of society which are waiting for the price reduction. Then further reduction to target the next layer. So this pricing structure work in this manner. यहां पे initial research and development cost ज्यादा incur किया जाता है,
एंड द प्राइस आर इनसेंसिटिव टू द डिमांड. प्राइस आर इनसेंसिटिव टू द डिमांड मीन्स मार्केट में अभी डिमांड अननोन है. मीन्स अगर आपके प्राइजेज में चेंज किए जाए या कुछ भी चेंज किया जाए तो डिमांड पे ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा. इट इज जनरली यूज फॉर द न्यू इन्वेंशन एंड टेक्नोलॉजिकली न्यू प्रोडक्ट बींग लॉन्च्ड. द सेकेंड प्राइजिंग मेथड इज पेनिट्रेशन प्राइजिंग मेथड. पेनिट्रेशन प्राइजिंग मेथड इट इज द प्राइजिंग मेथड वेयर वेरी लो प्राइज इज चार्ज इनिशियली एंड देन इट इज इंक्रीज ग्रेजुअली ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम. इट इज जनरली यूज फॉर अ न्यू प्रोडक्ट इंट्रोडक्शन इन अ कंपिटिटिव मार्केट. आप क्या करते हो, इनिशियली वेरी लो प्राइजेज यू चार्ज एंड यू ट्राई टू पेनिट्रेट द मार्केट. आप मार्केट कैप्चर करना चाहते हो, मास मार्केट आप कैप्चर करना चाहते हो. वंस यू डू दैट ना यू स्टार्ट योर इंक्रीजिंग द प्राइजेज एंड यू अर्न द प्रॉफिट. लो प्राइजेस रखने से एक और बेनिफिट है, जो प्रोस्पेक्टिव कंपिटिटर्स हैं, जो न्यू एंट्रेंट्स हैं, वो मार्केट में एंटर नहीं कर पाते हैं. एंट्री बैरियर की तरह काम करता है. लार्ज स्केल लेवल पे आप प्रोडक्शन करते हो तो आपको कॉस्ट बेनिफिट भी मिलते हैं, ठीक है. और यहां पे प्राइजेस जो हैं दैट आर वेरी इलास्टिक टू दी डिमांड. देन द टाइप्स ऑफ न्यू प्रोडक्ट. द टाइप्स ऑफ न्यू प्रोडक्ट रिवॉल्यूशनरी प्रोडक्ट. रिवॉल्यूशनरी प्रोडक्ट इट इज the new for the market and has the potential to create its own value. It has a potential to create its own value. This type of product has a revolutionary impact on the market and a consumer behavior, and here research and development cost is high and incurred on a high level. Dekhna revolutionary product kya hoga aapka. Ek aisa product jo market mein revolution le aaye, jo market ko change kar de, जो अपनी खुद की आइडेंटिटी क्रिएट कर सके, अपना खुद ब्रांड मार्केट सेट कर सके, अपने लिए अपना डिमांड खुद क्रिएट कर सके. सो मुझे बताना, एप्पल फोन इज अ रिवॉल्यूशनरी प्रोडक्ट और नॉट? ओके ओके, मैं रिवॉल्यूशनरी प्रोडक्ट की भी बात कर लेता हूं, फिर शायद एग्जांपल के थ्रू हम इसे डिस्कस कर सकते हैं. इवोल्यूशनरी प्रोडक्ट, अ प्रोडक्ट इंट्रोड्यूस इज अपग्रेडेड वर्जन विद अ few additional characteristics of the product. That is, a product introduces upgraded version with a few additional characteristics of the product. यहाँ पे होता क्या है कि हम एक product में कुछ extra features add करते हैं तो it becomes a evolutionary product. आप आजकल देखते हो smart watches, it is a watch but it has some additional features, it has some additional features, so this becomes evolutionary product. Me too product. Me too product, a product is said to be me too product when it emerges as a result of success of the revolutionary product. होता क्या है, जब आप कोई copy, बिल्कुल me too, same product तैयार किया जाता है, which is a just only a variation, variant. So this is a me too product. This is a me too product. मैं आपको एक question करवाता हूं, आप वहां पे आपको क्लासिफिकेशन करना है. ये हमारे मॉड्यूल का क्वेश्चन है. हाँ जी, ये क्वेश्चन है आपका, रिसेंट अटेम्प्ट में भी आया था, ये आपका आया था. देखना, द फॉलोइंग इंडिपेंडेंट सिचुएशन रिलेट्स टू अ न्यू प्रोडक्ट प्राइसिंग. क्लासिफाई द प्रोडक्ट इनटू द एप्रोप्रिएट कैटेगरी, दैट इज आरपी, ईपी दैट इज इवोल्यूशनरी प्रोडक्ट, और मी टू प्रोडक्ट एमपी, एंड स्टेट द करस्पॉन्डिंग प्राइजिंग. अभी मैंने आपको प्राइजिंग नहीं बताया कि इस प्रोडक्ट के लिए आपको कौन सी प्राइजिंग फॉलो करनी है, बट आपको जस्ट क्लासिफिकेशन करना है. सो प्लीज आप अपने रजिस्टर में करना. साइज में इंक्रीज कर देता हूं. ओके, ठीक है. नहीं नहीं नहीं, लिखना नहीं है आपको, जस्ट आपको क्लासिफिकेशन करना है. तीन क्लासिफिकेशन दिए हुए हैं, आरपी, रिवॉल्यूशनरी, इवोल्यूशनरी और मी टू. हाँ जी, थर्ड क्लासिफिकेशन शायद ये आपको थोड़ा सा देखने में प्रॉब्लम हो रहा है, देखना ही हो गया. सभी ने कर लिया हो तो बताना, करें डिस्कस.
मुझे बताना जो आपका फर्स्ट है, एडजस्टेबल वर्क टेबल लाइक स्टूल हैज बीन सक्सेसफुली कैप्चरिंग द मार्केट, कंपनी एक्स मेक्स अ स्मॉल वेरिएंट ऑफ दिस प्रोडक्ट एंड इज ट्राइंग टू एंटर द मार्केट। कितने लोगों का डिफरेंट है आंसर? आरपी, ईपी और किसी का डिफरेंट? ईपी काफी लोगों का है। रेज योर हैंड, डोंट वरी, कुछ अगर गलत है। ओके, किस पॉइंट पे आपको ये लगा कि ये ईपी है या फिर आरपी? स्मॉल वेरिएंट बना है तो रेवोल्यूशनरी प्रोडक्ट है क्योंकि एक प्रोडक्ट को पहले मार्केट में है तो ओके, स्मॉल, ओके, इवोल्यूशन, हाँ बताएं। हाँ वो पहले से प्रोडक्ट है ऐसा बट उसमें कुछ फीचर्स ऐड करके एडजस्टेबल स्टूल बना सकते हैं। ओके, देखना ये वर्ड यहाँ पे स्मॉल वेरिएंट। स्मॉल वेरिएंट मींस अ काइंड ऑफ वेरिएशन। वेरिएशन मींस अ सिमिलैरिटी और थोड़ा बहुत चेंज किया उसमें। फीचर्स, कुछ फीचर्स मुझे डिस्क्राइब नहीं किए, बताए नहीं। वेराइटी, वेराइटी, स्मॉल वेरिएंट मींस वराइटी, अ काइंड ऑफ वराइटी। दिस रिप्रेजेंट मी टू, इट इज नॉट अ इवोल्यूशनरी प्रोडक्ट। इट इज नॉट अ इवोल्यूशनरी प्रोडक्ट। सेकेंड बताना, आरपी और ईपी? आरपी। कितने लोग कहते हैं ईपी? ईपी आवाज तो आ रही थी। और हाँ मैं बता देता हूं, आर एन डी हैज जस्ट बीन कंप्लीटेड ऑन एन इनोवेटिव कंप्यूटर प्रोसेसर इन द शेप ऑफ अ पेन विद अकम्पनिंग पेन लाइक डिवाइस टू एक्ट एज अ कीबोर्ड प्रोजेक्टर एंड मॉनिटर प्रोजेक्टर। दिस इज एक्सपेक्टेड टू गेट द लैपटॉप आउट ऑफ द बिजनेस ड्यू टू इट्स एक्सट्रीम ईज ऑफ पोर्टेबिलिटी ऑफ जस्ट थ्री पेन लाइक लाइट वेट्स डिवाइस। आरपी और ईपी? आरपी, इट इज अ आरपी। समझने की कोशिश करना, देखना यहां पे जिन्हें भी क्लासिफिकेशन में प्रॉब्लम आ रही है वो मुझे बताना किस वजह से आपको ये लगा कि इट इज अ ईपी, कंप्लीटली न्यू। ओके, आप देखना, मैंने कहा था कि रिवॉल्यूशनरी प्रोडक्ट इज दैट प्रोडक्ट विच हैज रिसर्च एंड डेवलपमेंट कंटेन्ड इट सेल्फ। नंबर टू, इट इज कैपेबल ऑफ क्रिएटिंग अ इट्स डिमांड इट सेल्फ। ठीक है, इट हैज अ कैपेबिलिटी टू चेंज द मार्केट ट्रेंड। इट हैज द कैपेबिलिटी टू चेंज द मार्केट ट्रेंड। सो वॉट इट इज गोइंग टू डू, इट इज गोइंग टू मेक द लैपटॉप आउट ऑफ मार्केट। सो दिस इज अ रिवॉल्यूशनरी प्रोडक्ट। देन थर्ड ऑप्शन वही बचा है, अ सक्सेसफुल मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी हैज बिल्ट इनटू इट्स लेटेस्ट मोबाइल फोन एन एडिशनल स्लाइडिंग स्क्रीन एंड इम्प्रूव्ड इट्स प्रोसेसर कैपेबिलिटीज सो दैट द फोन इज ऑलमोस्ट अ लैपटॉप। समझने की कोशिश करना आप यहां पे, ये आपका हुआ क्या, यहां पे कुछ एडिशनल फीचर्स डाले गए हैं, कुछ एडिशनल फीचर्स रखे डाले गए हैं जिससे कि आपका ये इवोल्यूशनरी प्रोडक्ट बन जाता है। इट इज अ इवोल्यूशनरी प्रोडक्ट। अब इनके प्राइसिंग स्ट्रक्चर की बात कर लेते हैं, प्राइसिंग स्ट्रक्चर कि आपका प्राइसिंग होगा क्या। सी, अ प्रोडक्ट इज सेड टू बी रिवोल्यूशनरी व्हेन इट इज न्यू फॉर द मार्केट एंड हैज अ पोटेंशियल टू क्रिएट ऑन वैल्यू। दिस टाइप ऑफ प्रोडक्ट हैज रिवोल्यूशनरी इंपैक्ट ऑन द मार्केट एंड कंज्यूमर बिहेवियर। इट रिप्लेसेस द एग्जिस्टिंग मेथड और टेक्नोलॉजी एंड अप्रोच टू डूइंग अ वर्क इज क्वाइट डिफरेंट एंड यूनिक। दिस प्रोडक्ट एंजॉय द बेनिफिट ऑफ प्रोडक्ट डिफरेंट डिफरेंशियल्स एंड हैव द पोटेंशियल ऑफ बीइंग द मार्केट लीडर। रिवॉल्यूशनरी प्रोडक्ट में एंजॉय द प्रीमियम प्राइस एज अ रिवार्ड फॉर इट्स इनोवेशन एंड टेकिंग फर्स्ट इनिशिएटिव। सो यहां पे जो आपको प्राइजिंग करनी है ना, वो कौन सी प्राइजिंग करनी है? प्रीमियम प्राइसिंग कैन ऑल्सो बी सेड एज स्कीमिंग, बट यूज अ वर्ड प्राइजिंग, प्रीमियम प्राइजिंग। इवोल्यूशनरी प्रोडक्ट मीन्स
आपको कौन से प्राइसिंग यूज करने हैं? प्रीमियम प्राइसिंग. प्रीमियम प्राइसिंग मीन्स यू कैन चार्ज अ वेरी हाई प्राइसेस ऑल्सो वेयर यू कैन अर्न अ गुड प्रॉफिट. प्रीमियम प्राइसेस. देन एवोल्यूशनरी प्रोडक्ट. एवोल्यूशनरी प्रोडक्ट, अ प्रोडक्ट इंट्रोड्यूसेस अपग्रेडेड वर्जन विद अ फ्यू एडिशनल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द प्रोडक्ट इज नोन एज एवोल्यूशनरी प्रोडक्ट. एवोल्यूशनरी प्रोडक्ट मे बी प्राइज्ड टेकिंग कॉस्ट बेनिफिट कंपटीटर्स एंड डिमांड फॉर द प्रोडक्ट इन टू अकाउंट. कहने का मतलब ये तीनों फैक्टर्स को कंसिडर करते हुए, दैट इज कॉस्ट बेनिफिट, कंपिटिटर एंड डिमांड. यहां पर कोई सर्टेन प्राइसिंग स्ट्रक्चर नहीं है. प्राइसिंग स्ट्रक्चर तीन फैक्टर्स को देखने के बाद आपके प्राइसिंग स्ट्रक्चर फिक्स किए जाएंगे. दैट इज फर्स्ट इज कॉस्ट बेनिफिट, कंपिटिटर एंड डिमांड. द थर्ड मी टू. मी टू प्रोडक्ट में आप प्राइसिंग करोगे मार्केट प्राइस डिटरमाइंड बाय द मार्केट. दैट इज यहां पे आप मार्केट प्राइस कर सकते हो. ठीक है, तीनों के प्राइसिंग क्लियर है. सो वी हैव डील रिवॉल्यूशनरी, इवोल्यूशनरी एंड मी टू प्रोडक्ट. रिवॉल्यूशनरी प्रोडक्ट का हमारा प्राइसिंग बताना. रिवॉल्यूशनरी प्रोडक्ट प्रीमियम. व्हाई वी आर चार्जिंग प्रीमियम? Because an innovative research and develop, it has a capability to create its own demand. So we can charge a premium price. The number two, evolutionary product. Iske liye pricing structure hamara? Yes. Yes. The three factors we have to consider: cost, benefit, competitors and demand. The third is me too. And me too pricing structure is market price. Then, we have price differential. Price differential means we charge a different price, different kind of price. Clock time differential, ऐसा pricing structure जहां पे कि 12 घंटे में आप prices change देखते हो. देखा है आपने कहीं कि आपके जो 12 hours हैं, उन 12 आवर्स में प्राइसेस चेंज होते हैं. मूवी, यस, वेरी गुड एग्जांपल. मॉर्निंग शो टाइमिंग रेट आर डिफरेंट, इवनिंग शो टाइमिंग रेट्स आर डिफरेंट, वीकेंड के चार्जेस अलग, रेलवेज टाइमिंग का नहीं, वो 12 घंटे में चेंज नहीं होते, वो सेम रहते हैं. कैब्स, यस, they have even a peak hour, they charge surge prices. ठीक है, movie hall ticket pricing are very good example where you can see the price changes in a 12 hour also. Then calendar time differential, ऐसा pricing जो आप airline tickets, हाँ ठीक है, hotels, बिल्कुल बिल्कुल सही, very good example, hotel industry. आप hill stations पे इस टाइम चले जाओ, आपको काफी अच्छा डिस्काउंट मिलेगा. क्यों? क्योंकि पता है वहां पे आजकल कोई आ नहीं रहा. ठीक है, वही आप अगर पीक सीजन में जाओ, पीक सीजन अगर मैं बात करूं गोवा, गोवा का एक पीक सीजन बहुत फेमस दिसंबर, दैट इज अ क्रिसमस ईव टू न्यू ईयर. आप चले जाओ, कोई अगर आप होटल बुक करोगे ना, तो सबसे पहली बात है आपको अवेबिलिटी के ऊपर है, मिलेगा नहीं. अगर मिल भी गया, दे विल बी चार्जिंग 15,000 to 20,000 रुपीज फॉर अर सिंगल रूम. और वही अगर आप ऑफ सीजन में चले जाओ ना, यू विल बी गेटिंग दैट अ वेरी गुड डील टू 2,000 to 3,000 रुपीज दैट सेम रूम. ज्योग्राफिकल डिफरेंशियल. ज्योग्राफिकल डिफरेंशियल मीन्स द प्राइजेस आर चार्ज अकॉर्डिंग टू द प्लेसेस. मीन्स दिल्ली में कुछ और प्राइजेस हैं और मुंबई में कुछ और प्राइसेस चार्ज किए जाते हैं. देन कंज्यूमर कैटेगरी प्राइस डिफरेंशियल. कंज्यूमर कैटेगरी प्राइस डिफरेंशियल वेयर वी चार्ज अ डिफरेंट प्राइसेस फ्रॉम डिफरेंट कस्टमर. कस्टमर कैटेगरी बना दी जाती है, कस्टमर की कैटेगरी बना दी जाती है. बताना ऐसे प्राइसेस कहां पे देखे आपने? एयरलाइंस, बिल्कुल सही, एयरलाइंस में आपका बिजनेस एंड इकोनॉमी. और कहीं? तत्काल रिजर्वेशन, हाँ वहां पे भी. और
दैट इज अ क्लास, यस यू कैन से दैट, गुड। और सी कोचिंग क्लासेस राइटर्स को डिस्काउंट देते हैं। ये एग्जाम्पल, चलो ठीक है। और एक एग्जाम्पल आपने देखा होगा इलेक्ट्रिसिटी में, इलेक्ट्रिसिटी हाउस होल्ड कंज्यूमर कैटेगरी एंड इंडस्ट्रियल, है ना? सो द रेट्स आर डिफरेंट। ये कुछ प्राइसिंग है जो आपके चैप्टर में, मतलब आपके सिलेबस में नहीं है, बट we will be discussing later on. Then we are going to deal with one of the most important principle. थ्री आवर्स में ब्रेक की जरूरत तो नहीं है, ठीक है? सो वी आर गोइंग टू, जब हमारी क्लास 5 घंटे की होगी ना तब पक्का ब्रेक दूंगा। ब्रेक की नींद तो नहीं लग रही ना? चाहिए? अच्छा, कितने लोग कह रहे हैं ब्रेक चाहिए? एटी ट्वेंटी प्रिंसिपल और पैरेटो प्रिंसिपल, एटी ट्वेंटी प्रिंसिपल और पैरेटो प्रिंसिपल, ये एक ऐसा प्रिंसिपल है जिसे कि अगर आप अपने लाइफ में अप्लाई कर लो ना, आपको रिजल्ट मिलना शुरू हो जाएगा। ये प्रिंसिपल ये कहता है, कम एफर्ट्स लेस एफर्ट्स मोर रिजल्ट, हाउ यू कैन गेट द मोर रिजल्ट इन अ लेस एफर्ट्स। सो डिस्कस करते हैं 80-20 प्रिंसिपल। 80-20 प्रिंसिपल, दिस प्रिंसिपल इज डेवलप्ड बाय द विल फेरेटो पेरेटो, जो कि एक इटालियन इकोनॉमिस्ट थे और वो इंग्लैंड में इनकम और वेल्थ डिस्ट्रीब्यूशन के ऊपर स्टडी कर रहे थे। ड्यूरिंग हिज स्टडी उन्हें एक बहुत इंटरेस्टिंग बात का पता लगा, दैट मोस्ट ऑफ द वेल्थ दैट इज लैंड एंड मनी वॉज ऑन बाय वेरी फ्यू पीपल्स, और दैट इज 80% ऑफ द लैंड एंड मनी वॉज ऑन बाय ओनली 20% ऑफ द पॉपुलेशन। और जब उस स्टडी को उन्होंने बाकी के दूसरे देशों में करा तो उन्हें पता लगा कि सिर्फ इंग्लैंड में नहीं, दूसरे देशों में भी ये अप्लाई होता है। और फिर लैंड और मनी के बाद जब दूसरे चीजों पे अप्लाई करा तो उन्हें पता लगा कि ये सिर्फ और सिर्फ लैंड और मनी पे नहीं, बाकी के सभी चीजों पे अप्लाई होता है 80-20 प्रिंसिपल। उसके बाद आपका एक साइंटिफिक प्रिंसिपल आया जो कि हर एक जगह अप्लाई करता हुआ आपको देख सकता है, बिजनेस, स्टडीज, स्पोर्ट्स, रिलेशंस। अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल 80% ऑफ योर रिजल्ट is from your 20% action। ये principle कहीं ना कहीं हमारे सोच से, normal सोच से बिल्कुल अलग है। हमें लगता है जितना ज्यादा हम effort डालेंगे उतना ज्यादा हमें result मिलेगा, मगर ये बिल्कुल opposite है। हाँ चलो कुछ example के through discuss करते हैं, फिर शायद आपको ये principle का base समझ में आने लगे। एक्सीडेंट्स, जो कार एक्सीडेंट्स होते हैं, 80% कार एक्सीडेंट्स के लिए 20% ड्राइवर्स रेस्पॉन्सिबल होते हैं, एंड दैट 20% ड्राइवर इंक्लूड बोथ। ट्रैफिक जैम की बात करें तो जो आपको 80% ट्रैफिक जैम मिलता है ना, वो आपके 20% एरिया, ट्रैवलिंग एरिया में मिलता है। मतलब आपको पता है कि अगर ये दो स्पॉट्स हैं या रेड लाइट्स हैं, अगर मैं यहां पे जल्दी क्रॉस कर लूं तो आई विल बी रीचिंग ऑन माय शेड्यूल टाइम, अगर यहां पे मुझे ट्रैफिक मिला तो आई विल बी गेटिंग लेट। क्लोथ्स, कपड़ों की बात करें 80% जो हम कपड़े पहनते हैं ना, वो हमारे 20% कलेक्शन से होते हैं। मतलब हमें रिपीटेटिव कपड़े पहनने का बड़ा शौक है, जो हमारे 80% रिमेनिंग कपड़े होते हैं ना, क्लोथ्स होते हैं, वो बहुत कम ओकेशंस पे काम आते हैं। आप खुद देखो आपके पास घर में कितना कलेक्शन होगा आपके क्लोथ्स का, वेदर यू यूज ऑल दोज क्लोथ्स, नो। वो कपड़े कब काम आते हैं? नहीं काम आते तो फिर होली पे,
एक्टर्स की बात करें ना, तो 80% अटेंशन 20% एक्टर्स को ही मिलता है, चाहे बॉलीवुड हो, हॉलीवुड हो, ट्रॉलीवुड हो, कहीं पे भी. सो 80% अटेंशन 20% एक्टर्स को ही, और 80% इन्वेंशन 20% साइंटिस्ट से ही आते हैं. और अगर मैं बात करूं ऑथर्स बुक्स की, तो 80% जो बुक्स होते हैं वो 20% ऑथर से ही आते हैं. दिस प्रिंसिपल सेज दैट लेस गिव्स मोर. इट डज नॉट टीच अस नॉट टू वर्क, रेदर इट एनकरेजेस अस टू वर्क ऑन दी दोज एरियाज और दोज थिंग्स विच गिव अस द रिजल्ट. इट सेज सेट योर प्रायोरिटीज, इट सेज सेट योर प्रायोरिटीज. ये प्रिंसिपल अगर आप समझना चाहते हो ना, तो आप सबसे पहले खुद अपना दिन का शेड्यूल एनालाइज करके देखो. अगर मैं बोलूं, आप पूरे दिन में बहुत सी ऐसी एक्टिविटीज हैं, अननेसेसरी एक्टिविटीज हैं जो आप करते हो, जाहिर सी बात है. और ये प्रिंसिपल ये कहता है कि आपको सबसे पहले उन एरियाज पे काम करना चाहिए, उन एरियाज पे फोकस करना चाहिए जो आपको ज्यादा रिजल्ट देते हैं, और जो चीजें रिजल्ट नहीं देती हैं उन्हें आपको अवॉइड करना चाहिए या नहीं करना चाहिए. बिजनेस और कस्टमर रिलेशन की बात करें, तो 80% प्रॉफिट 20% कस्टमर से आता है. ये इट इज एन प्रैक्टिकल एग्जाम्पल. आप अगर अपने फर्म में भी देखो, जहां पे आप आर्टिकलशिप करते हो या कर चुके हो, तो बॉस से पता करना कि उनका 80% रेवेन्यू सिर्फ 20% क्लाइंट से आता होगा. अगर नहीं पता आपको, तो आपने कभी, आपके साथ ऐसा हुआ है कि आपको किसी ऑडिट पे, पर्टिकुलर ऑडिट पे भेजा और बहुत स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शन मिले हैं कि वहां पे काम आपको अच्छे से करना है? मिला है कभी ऐसा इंस्ट्रक्शन? क्यों? क्योंकि पता है कि गुड सोर्स ऑफ रेवेन्यू इज फ्रॉम दोज कस्टमर्स. कंप्लेन्ट्स 80% कंप्लेन्ट्स 20% कस्टमर्स से आते हैं या 20% रीजन से आते हैं. सो दिस प्रिंसिपल सेज फोकस ऑन योर 20%, 20% विच इज गिविंग यू 80% रिजल्ट. सोशल लाइफ की बात करें, तो आज के टाइम में नेटवर्किंग इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग विच इज नीडेड. वाई? बिकॉज यू कैन बी ए हार्ड वर्कर, यू कैन बी ए स्मार्ट वर्कर, बट द नेटवर्किंग, नेटवर्किंग मीन्स कनेक्टिंग टू द पीपल. इफ यू आर नॉट अ गुड कनेक्टर और अ गुड सोशल लाइफ, यू कैन बी नॉट टिल टू दैट स्टेज और टू दैट सक्सेस लेवल वेयर यू कैन गेट इफ यू हैव अ गुड नेटवर्किंग स्किल्स. मीन्स इफ यू हैव अ गुड नेटवर्किंग स्किल्स, यू गेट अ ग्रेट अपॉर्चुनिटीज, गुड अपॉर्चुनिटीज. सो ऐसे कुछ नेटवर्किंग के चक्कर में एक इस पर्सन को ये लगता था कि जितने ज्यादा से ज्यादा वो फ्रेंड बनाएगा ना, उतना ज्यादा उसके लिए बेटर होगा. तो ऐसे में वो कुछ टाइम डिवोट नहीं कर पाता था, जो अब उसका इंपॉर्टेंट टाइम होता था वो ज्यादा से ज्यादा फ्रेंड्स के साथ, तो स्टडीज और अपने हेल्थ पे ज्यादा फोकस नहीं कर पाता था. उसे लगता था ज्यादा मतलब बेहतर. लेकिन आप ये देखो कि जो आपका 80% फुलफिलमेंट है वो आपके एक या दो फ्रेंड से ही आ जाता है. आप खुद देखो, आपके 20-30s इवन में भी यू कैन काउंट 100 ऑफ योर फ्रेंड्स, बट आप देखो आपका जो मोस्ट ऑफ द 80% टाइम है वो कितने फ्रेंड्स के साथ होता है? एक या दो. आप एक या दो फ्रेंड्स के साथ ही रहते हो. सो 80% ऑफ योर हैप्पीनेस एंड फुलफिलमेंट कम्स फ्रॉम योर 20% ऑफ योर फ्रेंड्स. 80-20 नाउ फॉर स्टडीज. ये स्टडी पोर्शन पे बात करते हैं, आपके लिए जो इंपॉर्टेंट हो सकता है. देखना, ये दो फ्रेंड्स हैं, तब तक फ्रेंड है जब तक रिजल्ट नहीं आया, ठीक है? क्योंकि एक फ्रेंड का अप्रोच है कि वो पूरे पूरे दिन और पूरी पूरी रात पढ़ता रहता है, और जो दूसरा वाला फ्रेंड है ना, बहुत कम पढ़ता हुआ पाया जाता है, ठीक है? और लेकिन जब रिजल्ट आता है ना, तो इस वाले फ्रेंड का पहले वाले फ्रेंड से या तो बराबर मार्क्स आते हैं या फिर उससे ज्यादा ही मार्क्स आते हैं. और जब ऐसा होता है ना, तो दोनों के बीच में लड़ाई होती है. क्यों? क्योंकि जब भी ये इससे पूछता था तो ये कहता था कि मैं तो
पढ़ नहीं रहा हूं, मैं यहां हूं, मैं वहां हूं, लेकिन कभी भी पढ़ाई की बात नहीं होती थी। लेकिन इस फ्रेंड को ये नहीं पता था कि ये जाने ही अनजाने में 80-20 प्रिंसिपल फॉलो कर रहा था। 80-20 प्रिंसिपल रिगार्डिंग व्हाट टू स्टडी, रिगार्डिंग व्हाट टू स्टडी। मैं अगर बोलूं आपसे, बहुत से लोगों को सच में यही नहीं पता होता कि पढ़ना क्या है और पढ़ना किस तरीके से। कंटेंट आप सभी के पास अवेलेबल है, कंटेंट आप सभी के पास अवेलेबल है, बट हाउ टू स्टडी मीन, मतलब ये कि आपका अगर कुछ प्लान है कि आपको इतने डेज में इस सब्जेक्ट को फिनिश करना है, तो उस सब्जेक्ट को फिनिश करने के लिए आपका पर डे क्या टारगेट होना चाहिए और टारगेट के साथ साथ कंटेंट क्या करना है, किस तरह से तैयारी करनी है, वो आपको पहले डिसाइड करना होता है, ना कि पढ़ते वक्त। इट इज लाइक दैट कि यू आर जस्ट प्रिपेयरिंग प्रिपेयरिंग प्रिपेयरिंग, आपको ये नहीं पता कि प्रिपरेशन किया क्या आपने, मॉड्यूल्स आपने सारे क्वेश्चंस कर लिए, सारी चीजें कर ली, कॉन्सेप्ट गो थ्रू कर लिया, बट प्रिपरेशन हुई है आपकी रियली कि नहीं हुई है वो आपको नहीं पता चलता। सो रिगार्डिंग व्हाट टू स्टडी, देन रिगार्डिंग द टाइम ऑफ स्टडी, जो आपका पहला वाला फ्रेंड था उसका ये अप्रोच था कि दिन में 10 से 12 घंटे पढ़ना, और एज अ ह्यूमन बीइंग आपकी जो अटेंशन स्पेन है वो बहुत आज के टाइम में शॉर्ट है। द रीजन इज दैट वी हैव अ लॉट ऑफ डिस्ट्रैक्शन, सो दिस पर्सन ऑल्सो हैज अ डिस्ट्रैक्शन सोर्स लाइक सेल फोन, फेसबुक एंड व्हाट्सएप। तो ज्यादा टाइम देने के बाद भी ये क्वालिटी स्टडीज नहीं कर पाता था, क्योंकि फेसबुक में आप क्या करते हो कि अगर आपने एक बार इस ऑन करा तो फिर वो स्क्रॉलिंग चलता ही जाता है। आप एक जगह से दूसरी जगह या कुछ ब्राउज कर रहे हो तो आप एक जगह से दूसरी जगह, इट इज अ चैन, आप जाते 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 हो, आपका टाइम कितना जाता है आपको नहीं पता चलता, या आपके थॉट्स जो थॉट प्रोसेस है वो चेंज हो जाते हैं। वही जो दूसरा फ्रेंड है ना, उसे पता था कि मुझे मेरा जो पढ़ने का स्लॉट है या पढ़ने का जो टाइम है ना, ना इससे दिन में पढ़ा जाता था, मतलब सुबह ना पढ़ा जाता था और ना रात में पढ़ा जाता था, तो ये क्या करता था, जिस टाइम ऑफिस का टाइमिंग होता था वो टाइम यूटिलाइज करता था। तो ये 9 AM टू 6 PM ही पढ़ता था, और एज अ ह्यूमन बींग अटेंशन प्रॉब्लम इसे भी थी, तो वॉट ही डज, ये मोबाइल फोन्स और जो बाकी के अदर चीजें हैं वो साइड में रखकर फिर पढ़ाई अपना स्टार्ट करता था। प्रॉब्लम अटेंशन प्रॉब्लम आने के बाद ये क्या करता था कि घर में थोड़ा वॉक कर लिया, या फिर म्यूजिक सुन लिया, या घर में किसी से बातें कर ली, एंड बैक टू हिज स्टडी। और जैसे ही 6 बजते थे ना शाम को, तो ये पहले फ्रेंड को फोन करता था, चलें घूमने, चलें मूवी के लिए। तो इसे ये लगता था कि ये पढ़ाई नहीं करता। स्पोर्ट्स की बात करें, स्पोर्ट्स की, मेनी ग्रेट एथलीट्स एग्री दैट द एफर्ट फॉर देयर परफॉर्मेंस फॉलो द 80-20 रूल, दैट इज टू से 80% मेंटल एफर्ट एंड 20% फिजिकल एफर्ट। इट इज अ रियल फैक्ट, इट इज अ रियल फैक्ट। आप देखो, आप 6 months पढ़ते हो अपने एग्जाम्स के लिए, प्रिपरेशन करते हो, बट पहले आप डिसाइड करते हो बोथ ग्रुप्स के लिए, फिर आप आते हो एक ग्रुप पे, ठीक है, और फिर जब आप एक ग्रुप के लिए प्रिपरेशन कर रहे होते हो, तो अगर पहला पेपर आपका खराब होता है तो आपका मोरल क्या होता है, बिल्कुल डाउन आ जाता है। वहां पे आपको मेंटली अपने आप को स्ट्रांग करना होगा, क्यों, क्योंकि आपका जो 6 months का एफर्ट्स है, वर्क है, इट विल बी कंप्लीटली वेस्टफुल अगर आपने उन 8 to 10 days में अपने आप को मेंटली स्ट्रांग नहीं रखा। कई बार ऐसा भी हुआ होगा आपको कि पेपर आपका अच्छा नहीं गया किसी सब्जेक्ट में, बट आपको दिखाई देता है कि मार्क्स अच्छे जाते हैं, हुआ ऐसा है ना? तो आपको यही चीज करना है कि गिव अप नहीं करना है। अगर आप नेगेटिव थॉट्स में घिर जाते हो तो फिर उसके बाद आगे निकलना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। माइकल फिलिप्स के बारे में कितने लोगों को पता है, पता है, पूरा बायो पता है उसकी, बायो मतलब थोड़ा बहुत जानते हो। माइकल फिलिप्स इज अ स्विमर है ना, एंड 4-time ओलंपिक्स, 28 आई थिंक, 24 और 28 मेडल्स, और 28 मेडल्स में 24 गोल्ड मेडल्स।
एंड यू वोंट बिलीव डिफिकल्टीज हर एक के लाइफ में आती हैं, एंड दैट पर्सन यू वोंट बिलीव उसके साथ क्या हुआ होगा। किसी को थोड़ा बहुत आइडिया हो तो बता सकते हो क्या हुआ था उसके साथ? चलो मैं बताता हूँ। व्हेन ही वॉज प्रिपेयरिंग फॉर हिज ओलंपिक्स, हिज हैंड गॉट ब्रेक। उसका ये जो हाथ था ना वो टूट चुका था, एंड डॉक्टर ने मना कर दिया था कि यू कैन नॉट पार्टिसिपेट इन द कंपटीशन। और राज इसे बाद में दे देना, ठीक है, ब्रेक में। सो यू कैन नॉट पार्टिसिपेट इन द कंपटीशन, एंड ही वॉज कंप्लीटली ब्रेक बिकॉज उसने पहले ही अनाउंसमेंट कर दिया था दैट ही इज गोइंग टू विन द 8 गोल्ड मेडल्स। उससे पहले आपका एक लेवल सेट था 7 गोल्ड मेडल्स का बाय सम एथलीट। सो ही हैड ऑलरेडी अनाउंस फॉर 8 गोल्ड मेडल्स, एंड वॉट ही डज, और उसने उस पर्सन ने एक साल तक सिर्फ और सिर्फ लेग्स से स्विमिंग की प्रैक्टिस की थी विदाउट यूजिंग हिज हैंड। ही हैज प्रैक्टिस्ड 1 whole year with his leg only, and the day when he participated in Olympics, his speed was unmatchable. Why? Because हाथों से तो सब स्विमिंग कर रहे थे, but he was having a special skill with his legs. He was swimming like a very very fast swimming. देखा होगा आपने उसके जो टाइमिंग्स थे, डे बाय डे अपने ही रिकॉर्ड्स वो बीट करता जा रहा था, तभी इतने ज्यादा गोल्ड मेडल। द माय पॉइंट इज दैट डिफिकल्टीज लाइफ में हर एक के साथ आएंगी, आती भी हैं, बट मेंटली आप कितना स्ट्रांग होते हो और कैसे उसे डिफीट करके आगे जाते हो वही आपके सक्सेस को डिफाइन करेगा। मेंटली आप वीक पड़ोगे एग्जाम के टाइम में, प्रेशर इतना होगा कि आपको लगेगा कि नहीं हो रहा, या कई बार रिजल्ट ऐसा आपका आएगा कि आपको आगे का कुछ समझ में नहीं आएगा कि क्या करना है, वेदर वी शुड कंटिन्यू और टू क्विट। बट ये याद रखना कि जो आपका रिजल्ट है इट इज ड्यू टू योर प्रिपरेशन लेवल। प्रिपरेशन लेवल आप कैसा करते हो, एंड नंबर टू इज योर मेंटल एफर्ट्स। योर फिजिकल एफर्ट इज 20% विच यू आर गोइंग टू प्रिपेयर फॉर द होल ईयर और फॉर द 6 months और 3 months जो भी आपके पास टाइम है, बट योर रिजल्ट इज कंप्लीटली डिपेंड ऑन दोज 80% मेंटल एफर्ट विच यू आर गोइंग टू गिव योर एग्जाम्स। जो आप 80% एफर्ट्स अपने एग्जाम में दोगे उससे ही आपका रिजल्ट डिसाइड होता है। कई बार ऐसा होता है कि कम प्रिपरेशन है बट स्टिल हम अच्छा कर जाते हैं एग्जाम में, क्यों? क्योंकि हमें पता है कि कहां पे हमें क्या करना है। यू आर मेंटली स्ट्रांग एट दैट पॉइंट। अदरवाइज होगा क्या कि आपने पूरे साल अच्छे से प्रिपरेशन भी की है लेकिन एग्जाम में जाने के बाद कुछ समझ में नहीं आता क्या करना है, और एग्जाम हॉल के बाद निकल के आने के बाद सब क्वेश्चन समझ में आता है कि हाँ ये क्वेश्चन तो हमने किया था, कर सकते थे। होता है ऐसा? तो उस तरह की आपको प्रिपरेशन करनी, प्रैक्टिस करना है कि एटलीस्ट कितने पोर्शन हमें अटेम्प्ट करना है, कितने पे पास होना है, ये सारी चीजें आपको पहले से ही प्लान करनी पड़ेंगी। कंक्लूजन इज दैट फाइंड दैट 20% इन योर वर्क दैट रिड्यूसेस योर टाइम एंड इंक्रीजेस डबल्स योर रिजल्ट, एंड दिस प्रिंसिपल बिलीव मी अप्लाइज एवरीवेयर, यू कैन फाइंड इट वर्किंग एवरीवेयर। कुछ और एग्जाम्पल दू देखना, आर्टिकलशिप कंप्लीट हो गई आपकी, हो गई 3-3.5 साल या 4 साल जो भी आपने काम करा, आज मुझे सच सच बताना कि आपको ये नहीं लगता कि उसके लिए 6 महीने सफिशियंट थे? 6 months में उतना काम आप सीख सकते थे, उसके बाद आप सिर्फ रिपीटेड काम कर रहे थे, है कि नहीं? और बात करूं तो जो भी आप 3 साल में स्टडीज करते हो, जो फाइनल की प्रिपरेशन करते हो, वो 3 साल की प्रिपरेशन में आप इतना नहीं पढ़ते हो जितना आप 3 months और 6 months के प्रिपरेशन जो के एग्जाम्स आते हैं तब स्टडीज करते हो। और एग्जाम्पल दूं,
आप फॉर एग्जाम्पल मैं आपको देता हूं 15 दिन प्रिपेयर करने के लिए कोई सब्जेक्ट, इट इज माई गारंटी यू विल बी वेस्टिंग योर 10 डेज, यू विल बी वेस्टिंग योर फर्स्ट 10 डेज की पढ़ना क्या है, पढ़ाई करें या ना करें, यू विल बी वेस्टिंग योर 15 डेज, जो 15 में से 10 दिन आप वेस्ट करोगे और 5 दिन ही आप यूज कर पाओगे. सो द थिंग इज दैट सेट दी स्मॉल टारगेट्स इन अ स्मॉल शॉर्ट ड्यूरेशन और उन ड्यूरेशन को आपको मैच करना है, मीट करना है. The application, some of the application of Pareto analysis, some of the business application is that pricing of the product. A company have dealing in the multi products में जैसे हिंदुस्तान यूनिलीवर है, हिंदुस्तान यूनिलीवर इज अ कंपनी विच डील इन अ मल्टीपल प्रोडक्ट्स, और उनके अगर प्राइसिंग स्ट्रक्चर की बात करें, उनके प्राइसिंग स्ट्रक्चर की बात करें तो जो प्राइसिंग स्ट्रक्चर है ना वो कुछ इस तरह से डिसाइड की जाती है कि अगर 10 प्रोडक्ट्स हैं और 10 प्रोडक्ट में से 2 प्रोडक्ट ऐसे हैं जो कि कंपनी को कंट्रीब्यूट करते हैं 80% रेवेन्यू या 80% प्रॉफिट, तो इन 2 प्रोडक्ट्स की प्राइसिंग को मैनेजमेंट अपने पास, टॉप मैनेजमेंट को अपने पास रखना चाहिए और बाकी के 80% वॉल्यूम या 80% प्रोडक्ट वो डेलीगेट करना चाहिए लोअर लेवल मैनेजमेंट को या मिडिल मैनेजमेंट को, जिससे कि टॉप मैनेजमेंट अपने आप को फ्री रख सके और फोकस कर सके अदर इंपॉर्टेंट एरिया लाइक प्लानिंग, कंट्रोलिंग, वहां पे अपने एनर्जीज को डाइवर्ट कर सके. कस्टमर प्रॉफिटेबिलिटी, वो कस्टमर जो आपको 80% प्रॉफिट देते हैं. फर्म का एग्जांपल मैं ले रहा था, जैसे कि आपको पता है कि आपके फर्म में कुछ 20% कस्टमर्स क्लाइंट ऐसे हैं जो कि 80% प्रॉफिट जनरेट कर रहे हैं. तो ऐसे में क्या होता है कि अगर इनविटेशन आता है, कभी मैरिज का इनविटेशन आता है, कभी कुछ इनविटेशन आता है, तो बॉस क्या करते हैं, जो अगर 20% कस्टमर्स हैं जो कि 80% प्रॉफिट जनरेट करते हैं तो पर्सनली वहां पे जाते हैं. अगर वो 80% जिनसे 20% प्रॉफिट आता है तो वहां पे क्या करते हैं, या तो बुके से काम चला देना या कार्ड भेज देना या फिर कभी कभी आर्टिकल्स को बोलना कि आप अटेंड कर लो. ठीक है, तो अगेन यहां पे आप 80-20 प्रिंसिपल एप्लीकेशन देख सकते हो. स्टॉक कंट्रोल में अगर मैं बात करूं, स्टॉक कंट्रोल कोई ऐसा प्रोडक्ट जैसे कि आप कैमरे की बात कर लो, कैमरे में सबसे सेंसिटिव और कॉस्टली आइटम क्या होगा, लेंस. तो जो कंपनी है सोनी कंपनी, उसे पता है कि सबसे ज्यादा कंट्रोल किस पे रखना है, लेंस पे, क्योंकि अगर यहां पे कुछ डिफेक्ट या डिफॉल्ट पाया जाता है तो इट विल बी इनकरिंग अ ह्यूज कॉस्ट. एप्लीकेशन इन एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग, एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग जिन्होंने अभी नहीं पढ़ा उन्हें बस इतना समझ लो कि एक हमारा कॉस्ट ड्राइवर होता है, कॉस्ट ड्राइवर विच ड्राइव द कॉस्ट. सो सर्टेन कॉस्ट ड्राइवर्स, 20% कॉस्ट ड्राइवर्स आर रेस्पॉन्सिबल फॉर द 80% ऑफ द कॉस्ट एंड द कंपनी शुड फोकस ऑन दोज 20% कॉस्ट ड्राइवर्स विच आर रेस्पॉन्सिबल फॉर द 80% ऑफ द कॉस्ट. क्वालिटी कंट्रोल, अ कंपनी कैन फेस सेवरल इशूज रिगार्डिंग द क्वालिटी, तो या डिफेक्ट. तो अगर मैं बोलूं 10 तरह की कंपनी को डिफेक्ट फेस करने पड़ रहे हैं तो कंपनी शुड फर्स्ट आइडेंटिफाई दोज 20% डिफेक्ट फ्रॉम वेयर 80% कंप्लेन्ट्स आर रिसीव्ड एंड शुड ट्राई टू इम्प्रूव फर्स्ट दोज 20% डिफेक्ट एंड देन फोकस ऑन दी अदर डिफेक्ट्स. सो आई होप सो कि 80-20 प्रिंसिपल आपको क्लियर होगा. 80-20 प्रिंसिपल सेज दैट फर्स्ट फोकस ऑन स्मॉल एरियाज और दोज 20% विच गिव्स यू 80% रिजल्ट. मैं आपको मॉड्यूल्स प्रोवाइड करवा देता हूं, फिर एक क्वेश्चन हमारा है इसी प्रिंसिपल पे बेस्ड जो एग्जाम में अटेम्प्ट में आया हुआ है.
हाँ जी, ये अभी रीसेंट अटेम्प्ट में ही आपके आया था। इसमें करना क्या है वो मैं अभी आपको सिर्फ ब्रीफ बता देता हूँ, फिर उसके बाद आपको कंप्लीटली स्टेप्स के साथ साथ आपको बताऊंगा कि क्या करना है। आप इस क्वेश्चन को देखना और इसकी रिक्वायरमेंट देखना। द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन इज गिवन अबाउट द टाइप ऑफ डिफेक्ट्स ड्यूरिंग अ प्रोडक्शन पीरियड एंड द फ्रिक्वेंसीज ऑफ देयर अकरेंस इन अ स्पेक्ट्रल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी। डिफेक्ट्स दिए हुए, नंबर ऑफ आइटम्स दिए हुए हैं। फर्स्ट डिफेक्ट इज एंड फ्रेम नॉट इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर 10 आइटम्स, यूर नॉन यूनिफॉर्म ग्राइंडिंग ऑफ लेंथ 60, पावर मिसमैच 20, स्क्रेचेज ऑन द सर्फेस 110, स्पॉट स्टेन ऑन द लेंसेज 5, रफ एजेस ऑफ द लेंसेज 70, फ्रेम कलर शेड डिफरेंस 25 आर दी नंबर ऑफ आइटम्स डिफेक्ट। कंस्ट्रक्ट अ फ्रीक्वेंसी टेबल सो दैट पैरेटो चार्ट कैन बी कंस्ट्रक्टेड फॉर द डिफेक्ट टाइप। विच एरिया शुड कंपनी फोकस ऑन? मैं अगर आपको अभी रफली मैनर में बताऊं कि आपको इस क्वेश्चन को कैसे अटेम्प्ट करना है। 4 मार्क्स का क्वेश्चन आया था, आई थिंक नवंबर 16 और मई 17 में आया था ये क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में आपको करना क्या होता है, आप सबसे पहले टोटल करोगे, जो टोटल आपको नंबर ऑफ आइटम्स का दिया हुआ है इसका टोटल करोगे। टोटल्स का आप क्या करोगे, परसेंटेज निकालोगे, परसेंटेज का आप क्यूमुलेटिव करोगे। लेकिन ध्यान रहे कि ये आप क्या करोगे, डिक्रीजिंग मैनर में करोगे, डिसेंडिंग मैनर में। ठीक है, डिसेंडिंग मैनर मीन्स हाईएस्ट ऊपर और फिर उसके बाद लोएस्ट नीचे। ठीक है, इसके स्टेप्स मैं बिल्कुल अभी आपको लिखवाऊंगा, लेकिन आपको समझ में आ गया क्या करना है, तो प्लीज इस क्वेश्चन को आपको अटेम्प्ट करना है अभी। आप क्वेश्चन यहां से देख लो और सॉल्यूशन आप अपने रजिस्टर पे करना, और टाइम लिमिट में करना। टाइम लिमिट मतलब ये अगर 4 मार्क्स का क्वेश्चन आया था तो आपको 7 मिनट मैक्सिमम, 6 से 7 मिनट में आपको इस क्वेश्चन को कंप्लीट करना चाहिए। कंप्लीट हो जाए तो बताना। हो गया? चलें डिस्कशन पे।
मुझे कुछ कॉपीज चाहिए एक्चुअली. आई वांट सम रजिस्टर्स. आई वांट टू सी कि आप कुछ अगर इस तरह की एरर्स कर रहे हो तो दिखाना मुझे. ओके ठीक है. ओके बट कंप्लीट करना ये नाम ये आइटम्स भी दिखाना. एक दो रजिस्टर्स और मुझे दिखा दो. सर्टेन एरर्स आई वांट टू सी. ठीक है. ओके दिखाना. ओके हाँ 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 देख लिया मैंने. दिखाना. ओके ओके जो मैं एरर देखना चाहता हूँ वो आप सभी कर रहे हो. जिस एरर के लिए मैं आपके पास आया था वो आप सभी ने एरर किया है. देखो मुझसे जब डिस्कशन हो रहा था आपका तो आपने किसी ने मुझसे पूछा था हाउ शुड वी प्रेजेंट आर आंसर, हमें आंसर कैसे करना है. तो मैंने आपको बोला था कि आप रिक्वायरमेंट अपनी देखना. ठीक है तो प्लीज आप देखना व्हाट वाज योर रिक्वायरमेंट. एक टेबल बनाना है पेरेटो चार्ट कंस्ट्रक्ट करने के लिए फॉर द डिफेक्ट टाइप. और साथ ही साथ कुछ और भी रिक्वायरमेंट थी आपकी. एंड दैट रिक्वायरमेंट वाज विच एरियाज शुड द कंपनी फोकस ऑन. एंड आई एम वेरी सरप्राइज दैट कि मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स आप सबने ये चीजें तो कर ली. ठीक है परसेंटेज भी निकाल लिया क्यूमुलेटिव परसेंटेज भी कंप्यूट किया बट उन्होंने ये पार्ट आंसर नहीं करा. बात समझ रहे हो. जब आपको याद होगा डिस्कशन हम कर रहे थे तो मैंने आपको यही चीज कहा था कि जो रिक्वायरमेंट है रिक्वायरमेंट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग. व्हाई डोंट यू अंडरलाइन दैट. एंड मैंने आपको ये भी चीज कहा था कि आप ये गलती करोगे. आज ही कहा था और आज ही किया आपने. ठीक है फ्यूचर में भी आप इस तरह की गलतियां करते रहोगे जिससे कि मैं चाहता हूं कि आप इंप्रूव करो. जिससे कि आप इंप्रूव करो. सो आपका जब भी आपको क्वेश्चन पेपर मिले ना तो आपको रिक्वायरमेंट को अंडरलाइन करना है. अदरवाइज होगा क्या कि आपका ये 4 मार्क्स का क्वेश्चन एंड यू एंड अप स्कोरिंग 2 मार्क्स जहां पे कि आप 4 मार्क्स स्कोर कर सकते थे. वाई बिकॉज यू हैवंट आंसर्ड विच एरिया कंपनी शुड फोकस ऑन अकॉर्डिंग टू द पैरेटो एनालिसिस. यू हैव जस्ट कंस्ट्रक्टेड अ टेबल. द मेन आंसर और कंक्लूजन यू हैवंट आंसर्ड. दिस इज द वर्स्ट मिस्टेक डन बाय मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट. जो आप मैं आपके पास आया भी इसीलिए कि रजिस्टर्स मुझे देखना था. मैंने 90% स्टूडेंट्स के रजिस्टर में ये गलती देखी. ठीक है तो इस बात को आप बिल्कुल एश्योर करके चलना आगे से कि जब भी आप क्वेश्चन देखो तो दो चीजें आपको डिसाइड करनी है. सबसे पहले तो टाइम कितना लगना चाहिए क्वेश्चन को करने में और दूसरा उसकी रिक्वायरमेंट क्या है. उसके रिक्वायरमेंट क्या है. ठीक है क्योंकि जो रिक्वायरमेंट होगा ना उसी के बेसिस पे आप आंसर अपना कर सकते हो. तो इसके स्टेप्स लिख लेते हैं. इसके स्टेप्स लिख लेते हैं कि हमारा स्टेप्स है क्या. पैरेटो एनालिसिस. पैरेटो एनालिसिस यह आपका चैप्टर प्राइजिंग पॉलिसी. प्राइजिंग डिसीजन और प्राइजिंग पॉलिसी एंड पैरेटो एनालिसिस और 80-20 प्रिंसिपल. एट्टी ट्वेंटी प्रिंसिपल ऑफ पैरेटो एनालिसिस से दैट मोस्ट ऑफ द रिजल्ट इज ड्राइव
रिवाइव्ड रिवाइव्ड फ्रॉम फ्यू थिंग्स दैट इज 80% ऑफ द रिजल्ट फ्रॉम 20% ऑफ थिंग्स वेदर दिस परसेंटेज इज फिक्स्ड और नॉट. ये परसेंटेज आपका सिर्फ एक एस्टिमेशन बेसिस पे है. इट सेज सर्टेन फ्यू थिंग्स आर रेस्पॉन्सिबल फॉर मोस्ट ऑफ द रिजल्ट. सो इट इज नॉट अ फिक्स्ड परसेंट. दिस परसेंटेज कैन बी अप एंड डाउन. सो जो आपका, अगर मैं सेल्स के टर्म में बोलूं तो 80% सेल्स रिप्रेजेंटेड बाय 20% ऑफ योर वॉल्यूम क्वांटिटी. सो आप देखना जो आपके स्टेप्स हैं, स्टेप्स फॉर पैरेटो चार्ट. स्टेप नंबर वन टोटल ऑफ आइटम्स एंड अरेंज इन डिसेंडिंग descending descending order. Step number two, descending order. Then step number two, arrange नहीं, आप इसे करना compute the percentage on total basis. Step number third, compute the cumulative परसेंटेज. ये बस तीन स्टेप्स हैं जिसमें आपको करना है. एंड स्टेप नंबर फोर अरेंज एस्टेब्लिश द 80-20 रिलेशन. ओके, आज की क्लास हम यहीं तक करते हैं, है ना.